स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का मेन गेट। कॉलेज का पहला दिन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होता। कोई नहीं बता सकता कि उस दिन क्या होगा। उस दिन हर फ्रेशर के मन में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों ही होते हैं। ऐसे ही फीलिंग्स के साथ ध्रुव ने स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के कंपाउंड में कदम रखा। वहां कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे मानो वो किसी सपने में हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक में पढ़ने का मौका मिल रहा था। ध्रुव ने अपनी जगह पर खड़े होकर एक बार और कॉलेज के शानदार गेट को फिर से देखा ताकि कंफर्म कर सके कि वो सही जगह पर है भी या नहीं। उसने एक नहीं बल्कि कई बार गेट के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हाँ, वो सही जगह पर है। ध्रुव के लिए उसके मोहल्ले के सरकारी स्कूल से आज तक का सफर बहुत मुश्किलों से भरा रहा। हर कदम पर उसके लिए नई चुनौतियां तैयार रहती थी। बचपन से ही ध्रुव को जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह थी, लेकिन उसके सामने परेशानियां भी उतनी ही बड़ी थी। पिता के साये के बगैर उसने अपना बचपन काटा था। उसके पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनके जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी ध्रुव की मां पर आ गई थी। शुरुआत में उसकी मां भी इतना नहीं कमा पाती थी कि वो ध्रुव को ठीक से पढ़ा सके। पैसों की मजबूरी की वजह से ध्रुव को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। ध्रुव काम करना चाहता था और अपनी मां का हाथ बटाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ध्रुव को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आया और बड़ी मेहनत के बाद उन्हें रहने के लिए एक छोटा 1 BHK अपार्टमेंट मिल गया। अपनी मां को रोज मेहनत करते देखकर ध्रुव भी मन लगाकर पढ़ाई करता था। उसकी मेहनत का यह नतीजा था कि बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद सरकार ने उसे स्कॉलरशिप के लिए चुना और ध्रुव का सिलेक्शन स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में BBA प्रोग्राम के लिए हो गया। ध्रुव उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से था जिनके पास टैलेंट तो था लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। सरकार ने ऐसे स्टूडेंट को मौका देने के लिए स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जिसमें अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए एक स्टूडेंट को मौका दिया जाता था। ध्रुव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो भी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर सरकार ने उसकी मदद ना की होती तो उसका सिलेक्शन इस कॉलेज में तो नहीं हो पाता। यह जगह उसके मोहल्ले की तरह नहीं थी, यह देश के बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक था, इसलिए यहां देश के कुछ सबसे अमीर और पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वहां उसके जैसे कुछ ही स्टूडेंट्स थे और वो सभी बुलिंग और रैगिंग का टारगेट होते थे, क्योंकि अमीर स्टूडेंट्स को लगता था कि वो वहां पढ़ने के लायक नहीं है। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और कॉलेज के मेन गेट से होते हुए कैंपस की तरफ जाने लगा। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता था क्योंकि उसे अपने और अपनी मां के लिए बहुत कुछ करना था। ध्रुव को उसकी क्लास के बारे में सभी बातें पहले से बता दी गई थी, इसलिए उसे अपनी क्लास ढूंढने में कोई खास परेशानी नहीं आई। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपनी क्लास मिल गई। क्लास में वो अकेला नहीं था बल्कि वहां पहले से ही कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे। ध्रुव पहले सीट पर जाकर बैठ गया और क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद क्लास में कुछ लोग आए। उन्हें देखकर सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन लोगों में से एक लड़के ने सभी स्टूडेंट से कहा, वेलकम टू स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज, हम आपके सीनियर्स हैं और हमारे यहां पर जब भी कोई नया आता है तो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, तो आप एक एक करके अपने बारे में बताइए ताकि हम भी आपके बारे में कुछ जान पाए। एक एक कर सभी स्टूडेंट्स ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर ध्रुव की बारी आई। ध्रुव ने अपने स्कूल के बारे में बताया और अपने गोल के बारे में भी बताया, और फिर उसने बताया कि वो रिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट है। बस उसका यह बोलना हुआ और उस लड़के के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उस लड़के ने उससे कहा, जरा पीछे देखो, सभी रिजर्व स्टूडेंट सबसे लास्ट में बैठते हैं, तो तुम फ्रंट रूम में कैसे बैठ गए? ध्रुव के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो तो वहां नया आया था, उसे क्या पता कि रिजर्व स्टूडेंट्स कहां बैठते हैं और बाकी स्टूडेंट्स कहां? उसने इनोसेंटली जवाब दिया, सर क्या हम सब में और बाकी स्टूडेंट्स में अंतर है?
आफ्टर ऑल हम भी कंपटीशन फेस करने के बाद यहाँ आए हैं। ध्रुव का जवाब सुनकर वो लड़का बुरी तरह से चिढ़ गया, तो उसने गुस्से में कहा, बहुत ज्यादा फर्क है, तुम्हारी यहाँ बैठने की भी औकात नहीं है, बस एक रूल के सहारे तुम यहाँ पर आ गए हो, यहाँ आ गए वो अच्छी बात है, लेकिन कभी खुद को हमारे बराबर समझने की गलती भी मत करना। अपना बैग लो और चुपचाप पीछे की रो में जाकर बैठो। पूरी क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी जानते थे कि ना चाहते हुए भी ध्रुव रैगिंग का शिकार हो गया है। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में ध्रुव के जैसे स्टूडेंट का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। सीनियर्स हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स को अपना निशाना बनाते थे और रैगिंग करते थे ताकि किसी तरह उन्हें डरा के वहां से भगाया जा सके। ध्रुव के पास उस लड़के की बातें सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना बैग उठाया और पहली सीट से सबसे लास्ट की सीट की तरफ जाने लगा। फिर उस लड़के ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहा, एक मिनट, जा रहे हो तुम? क्या अब मुझे तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि गलती करने के बाद उसकी माफी भी मांगनी पड़ती है? यह सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर रुक गया। उसने उस लड़के को देखा और कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। उस लड़के ने क्लास में बैठे सभी लोगों से कहा, हम तुम्हारे सीनियर हैं और सीनियर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मुझे जवाब देने की कोशिश की तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये मेरा कॉलेज है और यहां मेरे रूल्स चलते हैं। आज जो भी हुआ वो आगे फिर कभी नहीं होना चाहिए। इसी में तुम सभी लोगों की भलाई है। ध्रुव को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो चुपचाप बिना कुछ कहे बस आखिरी की सीट पर बैठ गया। ध्रुव ने एक बार गहरी सांस ली और अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करने लगा। ध्रुव के ठीक बगल में एक थोड़ा हेल्दी दिखने वाला लड़का बैठा हुआ था। उसने धीरे से ध्रुव से पूछा, मान गए तुम्हें, पहले ही दिन तुमने देव बर्मन से पंगा ले लिया। हिम्मत तो तुम्हारे अंदर बहुत है, लेकिन एक बात बता दूं, देव बर्मन से पंगा लेना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। ध्रुव ने उस लड़के से गुस्से में पूछा, कौन है यह देव बर्मन? क्या ये कॉलेज इसी का है? उस लड़के ने हैरान होते हुए ध्रुव से पूछा, तुम देव बर्मन को नहीं जानते? देव कॉलेज की फुटबॉल टीम का कैप्टन और उसके पिता अभिनीत बर्मन बर्मन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है। बर्मन परिवार अपने डोनेशन की वजह से जाना जाता है। इस कॉलेज में उन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है। पूरे महाराष्ट्र में उनका नाम चलता है। ऑयल और माइनिंग इंडस्ट्री में उनसे बड़ा कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। वैसे तो उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन अब उनका फोकस पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है। देखो दोस्त, इन शॉर्ट तुम्हें बताऊं तो देव इस कॉलेज का शाहरुख खान है। ये कॉलेज उसी की टेरिटरी है, और अगर कोई भी उसकी टेरिटरी में उसे चैलेंज करने की कोशिश करता है तो उसे देव नहीं छोड़ता। उसने आज से पहले भी तुम्हारे जैसे कई स्टूडेंट्स को अपना निशाना बनाया है, और आज तक उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, कॉलेज के पहले ही दिन तुमने कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे से पंगा ले लिया है। देव बर्मन के बारे में सुनकर ध्रुव का गला सूख गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये बात ज्यादा न बढ़ जाए। ध्रुव कॉलेज में मिस्टर नोबडी बनकर रहना चाहता था। उसका प्लान था चुपचाप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, लेकिन पहले ही दिन उसके प्लान पर पानी फिर गया था। ध्रुव के चेहरे पर परेशानी देख उसके बगल में बैठे लड़के ने ध्रुव से कहा, गलती तो तुमने की है, लेकिन अगर हम आगे समझदारी से काम ले तो मुसीबत से बच सकते हैं। बाय द वे, मेरा नाम नीरज है और मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ स्कॉलरशिप पर आया हूँ। सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए। ध्रुव को नीरज का कहना सही लगा। नीरज की बातों से लग रहा था कि वो शायद इस सब में उसकी मदद कर पाए। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और सभी सीनियर्स क्लास से बाहर चले गए। ध्रुव तब तक खुद को शांत कर चुका था। उसके अंदर की एक्साइटमेंट और खुशी खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह डर ने ले ली थी। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था कि अब इस सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए। उसके मन में यही उधेड़बुन चल रही थी कि आगे क्या किया जाए। ध्रुव जानता था कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है,
लेकिन फिर भी अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उसे देव को सॉरी बोलना पड़ा। ध्रुव इस सब के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके पास आई। उसने अपनी मीठी आवाज में ध्रुव से कहा, ऐसे नकचड़ों की बातों पर ध्यान मत दो। जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तो नो वन विल केयर कि तुम कहां से आए हो। एक पल के लिए ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया। उसका ध्यान उस लड़की की बातों की तरफ नहीं था, बल्कि सिर्फ इस बात पर था कि उसकी क्लास में इतने लोगों में सिर्फ वही लड़की थी जो उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव ने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। वो लड़की मुस्कुराकर वहां से चली गई और ध्रुव के मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सभी परेशानियां, उसका डर कहीं गायब हो गया था और उनकी जगह एक अजीब से ख्याल ने ले ली थी। जितना उसने इंट्रोडक्शन के वक्त सुना था, उस हिसाब से उस लड़की का नाम पायल था। पायल जाने माने बिजनेस टाइकून अनुपम राय की एक लौती बेटी थी। उसकी स्कूलिंग और एजुकेशन मुंबई के नंबर वन स्कूल सेंट जेवियर्स से हुई थी। जिंदगी में पहली बार ध्रुव को एहसास हुआ था कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। बस उस पल में ही ध्रुव अपना दिल हार बैठा था। उसके दिल में पायल के लिए एक ऐसी जगह बन गई थी जो आज तक किसी के लिए नहीं थी। वो सब कुछ भूल बैठा था। उसे कुछ याद नहीं था कि वो कहां है और उसके आसपास कौन है। तभी नीरज ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, इतना ड्रामा तो किसी सीरियल में भी नहीं होता जितना आज तुम्हारे साथ हुआ है। इससे पहले कि ध्रुव उसे कुछ जवाब दे पाता, एक प्रोफेसर क्लास के अंदर आया। जहां एक तरफ ध्रुव की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी था जिससे ध्रुव पूरी तरह से अनजान था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर के ऑफिस में एक आदमी कॉलेज के वाइस चांसलर से मिलने आया था। उस आदमी ने वाइस चांसलर से कहा, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या चाहता हूं। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। कॉलेज के वाइस चांसलर ने उस आदमी से कहा, ठीक है, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूं। ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी, और जहां तक ध्रुव की बात है तो मैं पर्सनली उसकी प्रोग्रेस पर नजर रखूंगा। आखिर कौन था यह आदमी जो वाइस चांसलर से मिलने आया था और उसका ध्रुव के साथ क्या कनेक्शन था? ध्रुव कॉलेज में तो आ गया था, लेकिन उसका आगे का सफर कैसा रहेगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए। ध्रुव ने अब तक जो कुछ भी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में सुना था वो सच था। पहले ही दिन ध्रुव को इस बात का एहसास हो गया था कि इस कॉलेज में उसके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। सभी प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट को पहले से ही इस बारे में बता दिया था कि कॉलेज में कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। यहाँ पर पढ़ने और एग्जाम का पैटर्न दूसरे कॉलेज की तरह नहीं था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का एक स्टैंडर्ड सेट था और जो स्टूडेंट उसे फॉलो नहीं कर पाता था, उसके लिए इस इंस्टीट्यूट में कोई जगह नहीं थी। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले सभी स्टूडेंट्स को किसी भी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती थी। बस एक ही शर्त थी, कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़कर निकलने वाले स्टूडेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उन एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना बहुत जरूरी था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में स्टैंडर्ड को बनाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट का था। कॉलेज में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया था जहाँ पर सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स को समय समय पर एडवाइस देते थे कि किस तरह उन्हें अपने एकेडमिक करियर में आगे बढ़ना है। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स ने अपने खुद के बिजनेस और स्टार्टअप खड़े किए जो आज की बड़ी कंपनियां बन चुकी है और मार्केट में उनका नाम हो चुका है। ऐसी जगह में नॉर्मल और एवरेज परफॉर्मेंस से काम नहीं चलता था। पहले ही दिन से ध्रुव को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके लिए कॉलेज लाइफ आसान नहीं रहने वाली। वहां पर सिर्फ कॉम्पिटिशन का प्रेशर नहीं था, बल्कि रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए वहां का माहौल बिल्कुल ही अलग था। रिजर्व स्टूडेंट के साथ रैगिंग और बुलिंग वहां पर एक आम दिनचर्या का हिस्सा था। नीरज और ध्रुव को पहले ही दिन कई कहानियां सुनने को मिली, जिसमें कुछ रिजर्व स्टूडेंट ने रैगिंग के डर से कॉलेज छोड़ने तक का फैसला किया था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ध्रुव की क्लास के कुछ लोग तो अब इस बारे में सोच रहे थे कि क्या उन्हें आगे इस कॉलेज में रहना भी चाहिए या नहीं। ध्रुव पर इन बातों का
कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में जाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बहुत मेहनत करने के बाद उसे इस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला था और वो इस मौके को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। कॉलेज के पहले ही दिन ध्रुव इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि उसे इस जगह में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ध्रुव और देव के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ध्रुव की क्लास के लोगों ने पहले ही उससे दूरी बना ली थी। क्लास के दूसरे लोग नहीं चाहते थे कि वो देव की नजर में आए, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सिर्फ नीरज ही था जो पूरे दिन उसके साथ रहा। बाकी क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स ने ध्रुव से बात भी करना जरूरी नहीं समझा। ध्रुव के लिए कॉलेज का पहला दिन किसी सजा से कम नहीं था। किसी तरह दिन खत्म हुआ और ध्रुव कॉलेज से वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। शाम हो गई थी और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उमस में कोई भी कमी नहीं आई थी। सुबह तो ध्रुव को उसकी माँ ने कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन शाम को उसे खुद घर वापस पहुंचना था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज शहर से बाहर था। सुबह ध्रुव को अपने घर से यहाँ तक पहुंचने में पूरे 3 घंटे का समय लगा था। खुशकिस्मती थी कि उस जगह से कुछ बसें निकला करती थी जिनका सहारा लेकर ध्रुव रोज अप डाउन कर सकता था, वरना ध्रुव के लिए कॉलेज आना जाना मुसीबत भरा काम हो जाता। कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकलकर ध्रुव मेन रोड पर आ गया और वहां पर बने बस स्टॉप पर अगली बस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वहां नीरज भी आ गया। ध्रुव ने नीरज से पूछा, तुम भी बस से घर वापस जाओगे? नीरज ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मेरी हालत देखकर तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे भी बस से ही वापस जाना होगा, क्योंकि इसके अलावा यहां और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बस का इंतजार करते हुए नीरज और ध्रुव आपस में बातें करने लगे ताकि टाइम काट सके। थोड़ी देर में एक बस वहां पर आई तो ध्रुव और नीरज बस में चढ़ गए। अभी बस थोड़ी ही दूर चली थी कि तभी अचानक से ड्राइवर ने बहुत तेजी से ब्रेक लगा दिया। ध्रुव और नीरज दोनों बस में आगे की तरफ खड़े थे, इसलिए उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि आखिर ब्रेक क्यों लगाया गया था। एक काले कलर की मर्सिडीज कार बस के ठीक सामने आ गई थी और उसका सनरूफ खोले एक लड़की अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए खड़ी हुई थी। वो लड़की जानी पहचानी लग रही थी। दिमाग पर थोड़ा और जोर डालने के बाद नीरज को याद आया कि उसने उस लड़की को आज कॉलेज के कैंटीन में देखा था। वो देव बर्मन के फ्रेंड सर्कल से ही एक थी और उसका नाम था शिल्पा। नीरज ने देव बर्मन के बारे में काफी बातें पता कर ली थी, इसलिए उसे अंदाजा हो गया था कि कार देव बर्मन की ही है। उसने ध्रुव से कहा, ये बर्मन की गाड़ी है और वो है उसकी बेस्टी शिल्पा। बर्मन रैश ड्राइविंग कर रहा था और बस से टकराते टकराते बचा था। फिर नीरज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये खुद तो जाएगा ही, साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर जाएगा। ध्रुव ने कहा, सच में इनका कुछ नहीं हो सकता। नीरज ने कहा, अगर मेरे पास ऐसी खूबसूरत कार होती तो मैं उसे बड़े प्यार से चलाता, ऐसे पागलों की तरह रैश ड्राइविंग नहीं करता। तो ध्रुव ने कहा, इनको छोड़ो यार, ये तो मरने के लिए सड़क पर आते हैं, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। नीरज ध्रुव की बात से एग्री करते हुए बोला, हाँ भाई, तू सही कह रहा है। शिल्पा देव बर्मन के फ्रेंड सर्कल की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर थी। वो एक हाई सोसाइटी फैमिली से आती थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में सब उसे कॉलेज की क्वीन कहकर बुलाते थे। शिल्पा लोगों के बीच काफी पॉपुलर थी। ध्रुव शिल्पा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे एक बात पता चल गई थी कि देव और उसका फ्रेंड सर्कल कॉलेज में हमेशा हाईलाइट पर रहता था। चाहे जूनियर्स हो या खुद देव बर्मन के क्लासमेट्स, सभी देव के फ्रेंड सर्कल का हिस्सा थे। उनके फ्रेंड सर्कल में वही लोग थे जो हाई सोसाइटी से आते थे। शिल्पा भी देव की ही तरह थी। उसे भी कॉलेज में रिजर्व स्टूडेंट्स का पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई लड़कियों के साथ रैगिंग की थी और जब भी बात एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचती, देव उस बात को वहीं दबा देता था। अब जब देव और उसका बैच कॉलेज का सबसे सीनियर बैच बन गया था, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी पहचान कॉलेज में अच्छी खासी बन चुकी थी। कोई उनसे सीधा टकराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कॉलेज में सब जानते थे कि फ्रेशर्स की कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी पहचान की वजह से सीनियर्स हमेशा बच जाएंगे और फंसेंगे तो जूनियर्स ही। ध्रुव ने आकर जूनियर्स और सीनियर्स के बीच की पॉलिटिक्स को गर्मा दिया था और इसीलिए कई लोग मानते थे कि कॉलेज में आगे माहौल बिगड़ने वाला है। 2 घंटे बाद दोनों का स्टॉप आ गया, जहां से वो दोनों
अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उस स्टॉप से ध्रुव रिक्शा पकड़ता है और एक घंटे के बाद कहीं जाकर अपने घर पहुंचता है, वो भी तब जब रास्ते में ट्रैफिक जाम ना मिले। आज उसे घर पहुंचते पहुंचते 8 बज गए थे और भूख के मारे उसके पेट में चूहे धमाल चौकड़ी मचाना शुरू कर चुके थे। ध्रुव और उसकी माँ एक छोटे से एक रूम अपार्टमेंट में रहते थे। अनगिनत गलियों से होते हुए ध्रुव अपने घर पहुंचता है। आसपास बहुत सारे लोग रहते थे और वो भी बिल्कुल ध्रुव और उसकी माँ की तरह ही हर दिन नए चैलेंजेस फेस करते थे। उस छोटे से घर में ध्रुव और उसकी माँ पिछले 10 सालों से किराए से रह रहे थे। मकान मालकिन अच्छी थी, उसे उनकी परेशानियों के बारे में पता था, इसलिए उसने अभी तक ध्रुव और उसकी माँ को परेशान नहीं किया। वरना मुंबई के ज्यादातर मालिक किसी किराएदार को 2 साल से ज्यादा टिकने नहीं देते। इस छोटे से घर में ही ध्रुव की पूरी दुनिया बसी थी। घर में घुसते ही उसे किचन से खाने की खुशबू आई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ध्रुव ने अपनी माँ को बुलाते हुए कहा, आई क्या बना रही हो? किचन से ध्रुव की माँ ने कहा, आ गया, चल बैठ जा, खाना खाते हैं। चाहे कितनी भी थकान हो, लेकिन जब ध्रुव अपनी माँ के चेहरे को देखता था तो उसकी पूरी थकान कहीं गायब हो जाती थी। दोनों खाते हुए अपने दिन के बारे में बात करते थे और खाना खत्म होने के बाद अपने अपने काम में लग जाते थे। खाना खत्म होने के बाद ध्रुव अपने कॉलेज के नोट्स और असाइनमेंट्स करता था। वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन फिर भी उसे पता था कि उसकी माँ को उससे कितनी उम्मीदें हैं, इसलिए वो खूब मेहनत करता। पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज गए थे। ध्रुव ने अपनी बुक्स अपने बैग में रखी और एक आखिरी बार अपनी माँ को शांति से सोता देखकर वो भी सोने चला गया। बेड पर लेटते ही उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। जिस वक्त ध्रुव अपने घर के अंदर आराम कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव की बिल्डिंग के बाहर एक आदमी खड़ा था। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कॉल कनेक्ट होते ही उस आदमी ने कहा, सर, सब्जेक्ट पहले दिन सेफली अपने घर पहुंच गया है, क्या मुझे उसके मूवमेंट्स और एक्टिविटीज को और मॉनिटर करना है, या मैं फिलहाल के लिए स्टैंड बाय पर चला जाऊं? फोन के दूसरी तरफ से उस आदमी को जवाब मिला, ठीक है, अभी के लिए स्टैंड बाय पर रहो, एक सेकंड के लिए भी हम अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। ध्रुव की जिंदगी की गाड़ी इसी तरह चल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बहुत ही जल्द उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है, और इस बात का ध्रुव को भी कोई अंदाजा नहीं था। कॉलेज का नया सेशन शुरू हो गया था। पहले ही दिन पूरे कॉलेज में एक खबर आग की तरह फैल गई थी कि एक नए रिजर्व स्टूडेंट ने देव बर्मन से उलझने की गलती की है। इस सबसे देव और उसके साथियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो सभी मौका तलाश कर रहे थे ताकि ध्रुव से बदला ले सकें। देव और उसके सभी दोस्तों ने डिसाइड किया था कि अब उन्हें कुछ भी करके ध्रुव को कॉलेज से सस्पेंड करवाना होगा, तभी उनका बदला पूरा होगा। कॉलेज में सस्पेंशन के लिए कुछ रूल्स थे। सस्पेंशन का फैसला डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड करते थे और इस समय इस कमेटी के हेड खुद वाइस चांसलर थे। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। देव और उसके दोस्त जानते थे कि अगर वो बात को बढ़ाने में कामयाब रहे और अगर उनके पास अच्छे सबूत आ गए तो ध्रुव को सस्पेंड होने से कोई नहीं रोक सकता। देव ने मन बना लिया था कि अब दूसरे दिन से ही ध्रुव को परेशान करना शुरू कर दिया जाएगा। जहां तक देव ध्रुव को कॉलेज से सस्पेंड करवाने के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करना चाहता था। उसे पता था कि स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का क्या कल्चर है। ध्रुव को अपनी गलती का एहसास था। वो इस बात को भी अच्छे से जानता था कि जब तक वो देव से इस बारे में माफी नहीं मांग लेता, तब तक उसके लिए चीजें सही नहीं होगी। ध्रुव ने फैसला कर लिया था कि अगले दिन वो खुद देव के पास जाकर माफी मांगेगा। नीरज ने ध्रुव को अपना नंबर दिया था और उसे समझाया था कि जो भी करना है उसके बारे में पहले आपस में डिस्कस करना जरूरी है। नीरज कॉलेज के बारे में कुछ चीजें जानता था जो ध्रुव को नहीं पता थी। ध्रुव ने खुद से फैसला लिया और इस बारे में नीरज को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो खुद इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता था। ध्रुव को आइडिया भी नहीं था कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ध्रुव की जिंदगी की गाड़ी इस तरह चल रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बहुत ही जल्द उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी
और इस बात का ध्रुव को भी कोई अंदाजा नहीं था। ऐसा क्या होने वाला था उसकी जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए। अगले दिन कॉलेज में लंच ब्रेक के वक्त कैफेटेरिया में ध्रुव और नीरज साथ में लंच कर रहे थे। कॉलेज कैफेटेरिया में सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बनता था और जो भी वहां का खाना चाहता उसे मंथली या दिन के हिसाब से पेमेंट कर कैफेटेरिया की मेंबरशिप मिल सकती थी। वहां सभी स्टूडेंट्स के पास में ऑप्शन था कि या तो वो अपने लंच घर से लेकर आए या फिर वहीं पर लंच करे। कुछ स्टूडेंट्स स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और वो अक्सर वहीं से खाना खाया करते थे। नीरज और ध्रुव आपस में किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। लंच ब्रेक की वजह से कैफेटेरिया में काफी भीड़ थी और शोर शराबा भी हो रहा था। इस भीड़ में अचानक एक लड़का ध्रुव के पीछे से निकला और उसके हाथ में पकड़ी हुई प्लेट फिसल गई, जिससे पूरा खाना ध्रुव की शर्ट पर लग गया। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि इस सब पर कैसे रिएक्ट करे, लेकिन वहां मौजूद दूसरे लोग उस पर हंस रहे थे। उस लड़के ने ध्रुव से कहा, माफ करना दोस्त, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से ये प्लेट फिसल गई। ध्रुव ने उस लड़के से कहा, कोई बात नहीं। तभी इस सिचुएशन में तड़का लगाने देव और उसकी पूरी गैंग वहां आ गई। देव ने उस लड़के से पूछा, क्या हो गया भाई? उस लड़के ने कहा, अरे यार, मेरे हाथ से गलती से प्लेट फिसल गई और खाना इसकी शर्ट पर लग गया। देव ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, एक शर्ट ही तो खराब हुई है ना, वैसे भी कौन सी बहुत महंगी थी जो इसके खराब होने से नुकसान हो जाएगा। एक काम करना, अपने कोई पुरानी शर्ट इसे उधार दे देना, इसमें ही इसका काम चल जाएगा। उस लड़के ने ध्रुव की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, अरे उधार क्यों, तुम तो मेरी पुरानी शर्ट रखी लो, मेरे पास ऐसी कई शर्ट है जिन्हें मैं अभी नहीं पहनता हूं। मेरे हॉस्टल का रूम नंबर 207 है, आज शाम को आकर मुझसे शर्ट ले जाना। ध्रुव को उस लड़के की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। और तो और, सभी लोगों के सामने उसका मजाक भी बनाया जा रहा था। देव और उसके सभी दोस्त हंस रहे थे और खुद वो लड़का भी उनके मजाक में शामिल हो गया था, जिसने ध्रुव के ऊपर खाना गिरा दिया था। कहां ध्रुव ने सोचा था कि वो माफी मांगकर सब ठीक कर देगा, और कहां उसके साथ ये सब हो रहा था। ध्रुव अपनी जगह से उठा और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उसकी शर्ट खराब हो चुकी थी और उसके पास कोई दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे पूरा दिन ऐसे ही रहना पड़ा। पूरे दिन क्लास में उसका मजाक उड़ता रहा, स्टूडेंट्स उस पर हंसते रहे, लेकिन किसी ने उससे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ कैसे। किसी को इससे कोई मतलब नहीं था कि ध्रुव के साथ कितना गलत हुआ है। क्लासेस खत्म होने तक ध्रुव लोगों के इस रवैये से बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसने मन बना लिया था कि अब उसे इस बात को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने रखना पड़ेगा, तभी उसके साथ जस्टिस हो पाएगा। ध्रुव ने कॉलेज के रूल्स को अच्छे से पढ़ा था और उनमें साफ साफ लिखा था कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ रैगिंग करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ध्रुव के पास तो अब इस बात का सबूत भी था कि उसके साथ रैगिंग हुई है। ध्रुव को पूरी उम्मीद थी कि उसकी बात को समझा जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि डिसिप्लिनरी कमेटी में कई लोग देव के फेवर में काम करते थे। कमेटी में कोई भी फैसला बिना वोटिंग के नहीं होता था, और ऐसे में जिस भी स्टूडेंट को लोग अच्छे से जानते थे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। क्लास खत्म होने के बाद ध्रुव डिसिप्लिनरी कमेटी के ऑफिस में गया। ऑफिस के बाहर देव और उसके दोस्त खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। ध्रुव ने उन्हें दूर से ही देख लिया और अपने कदम वहीं रोक लिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर देव ने उसे देख लिया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। देव अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसने हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, आज मुझे मजा आ गया, अब तुम लोग देखना कैसे वो डिसिप्लिनरी कमेटी में आता है। एक बार उसे कमेटी में आने दो, उसके बाद मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि वो खुद ही इस कॉलेज को छोड़कर भाग जाएगा। फिर देव के एक दोस्त ने भी बाकी सब लोगों से कहा, अभी तो शुरुआत है, आगे इस खेल में और मजा आएगा। वैसे देव, मानना पड़ेगा कि तुम्हारा आइडिया कमाल का था। हमारे दोस्त ऋषभ ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की कि किसी को इस बारे में शक भी नहीं हुआ कि हमने ये सब जानबूझकर किया है। ध्रुव दूर से सब कुछ सुन रहा था। उन बातों को सुनने के बाद उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था।
लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी थी कि वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे अब पूरी कहानी समझ आ गई थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज वैसा नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। इस कॉलेज में रिजर्व स्टूडेंट की बात कोई नहीं सुनता है। ध्रुव भी वहां से वापस लौट आया क्योंकि अब उसे डिसिप्लिनरी कमिटी से कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद ध्रुव के लिए कॉलेज में परेशानियां बढ़ती चली गई। उसकी स्कूलिंग एक मामूली सरकारी स्कूल से हुई थी, इसलिए उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में सभी क्लासेस इंग्लिश में ही होती थी। इतना ही नहीं, क्लास से जुड़ा कोई डाउट या फिर किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन ही क्यों ना हो, सब कुछ इंग्लिश में ही देना पड़ता था। ध्रुव की इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इस बात पर सभी को उसका मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। अब तो वह जहां भी जाता लोग उसे देखकर हंसते थे और उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। अपने इंग्लिश सुधारने के लिए ध्रुव ने लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया ताकि कम से कम इंग्लिश के लिए उसकी बेइज्जती ना हो। लाइब्रेरी ही एक ऐसी जगह थी जहां देव और उसके लोगों का आना जाना नहीं रहता था। ध्रुव पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि देव के कुछ साथी लाइब्रेरी में आए हैं। वो सीधा ध्रुव के पास पहुंचे और उनमें से एक ने ध्रुव से कहा, सीनियर ने तुम्हें बुलाया है। ध्रुव ने उन लोगों से कहा, क्या मैं थोड़ी देर बाद आ सकता हूं? मुझे इस टॉपिक को खत्म करना है। उसका जवाब सुनकर देव के दोस्तों में से एक ने गुस्से में कहा, जब सीनियर बुलाते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी कोई दूसरा काम नहीं होता। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना देव को यहां पर खुद आना पड़ेगा। ध्रुव के पास कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि उसे उन लोगों के साथ जाना ही पड़ेगा। ध्रुव ने अपना सामान उठाया और उन लोगों के साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गया। जब ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त लाइब्रेरी के स्टाफ का एक आदमी उन सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उन लोगों के वहां से जाते ही उसने अपने फोन से एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था, सभी टीम्स एक्टिवेट हो जाएं, क्लाइंट खतरे में है। ध्रुव देव के साथियों के साथ उससे मिलने जा रहा था। उसे पता था कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो इस सब के बारे में नीरज को बता पाए। देव के साथ ही उसे अपने साथ हॉस्टल ले आए। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का हॉस्टल रैगिंग के लिए बदनाम था। वहां पर अक्सर रैगिंग की कहानियां सुनने में आती थी। कॉलेज कैंपस में हर जगह कैमरे लगे थे, लेकिन हॉस्टल के कुछ हिस्सों में कैमरे नहीं थे। इन्हीं जगहों पर रैगिंग होती थी और आज ऐसी ही एक जगह पर ध्रुव को बुलाया गया था। ध्रुव को अब डर लगने लगा था कि उसके साथ अब क्या होगा। हॉस्टल की एक बिल्डिंग के मेन कंपाउंड एरिया में देव अपने सभी दोस्तों के साथ मौजूद था। देव के साथियों ने ध्रुव को एक जगह खड़े रहने के लिए कहा और खुद देव के पास आ गए। देव ने मुस्कुराते हुए अपने सभी दोस्तों से कहा, दोस्तों ये है ध्रुव। ये पहला ऐसा स्टूडेंट है जो यहां स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है, लेकिन इसमें अकड़ ऐसी है जैसे इसने डोनेशन वाला स्टूडेंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। देव की बात सुनकर उसके साथ खड़े उसके दोस्त हंसने लगे। ध्रुव सर नीचे करके खड़ा हुआ था। उसके पास उन लोगों की बातें सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर देव ने अपने सभी दोस्तों को चुप कराते हुए ध्रुव से कहा, क्या सोचकर तुम यहां आए हो? तुम इस वक्त जहां हो वहां तक पहुंचने के लिए लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है। उनके पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस और कैलिबर है, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी है कि एक स्कीम की वजह से उनका एडमिशन रुक गया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम एग्जाम में फेल हो गए या क्लास में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो तुम्हें ईयर बैक के लिए कहा जा सकता है? इस तरह से अपने करियर को खराब करना बेवकूफी है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहो तो अपने एडमिशन को कैंसिल कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो न सिर्फ तुम यहां के प्रेशर से बच जाओगे बल्कि तुम अपने औकात के कॉलेज में जा पाओगे। ये कहकर देव रुक गया और फिर एक बार ध्रुव को तिरछी नजरों से देखकर बोला, यहां पर रहकर तुम कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन बाहर तुम्हारे लिए नए मौके बन सकते हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं। इनफैक्ट मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। महाराष्ट्र के दूसरे कॉलेजेस में भी मेरी अच्छी पहचान है। मेरे एक फोन से तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। और तो और, कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारे सर पर मेरा हाथ होगा। ध्रुव देव की बातों से समझ गया था कि उसके कहने का क्या मतलब है।
स्कॉलरशिप स्कीम के आने के बाद अमीर और पैसे वाले लोगों ने ये नया तरीका सोचा, जहां वो किसी भी तरह डरा धमका कर या पैसों का लालच देकर रिजर्व स्टूडेंट से उनकी सीट खरीद लेते हैं। इस तरह के कई केस सुनने को मिले और कुछ केस में एक्शन भी हुआ, लेकिन ज्यादातर मामले कभी सामने नहीं आ पाए, क्योंकि रिजर्व स्टूडेंट को इस तरह डरा कर रखा जाता था कि वो कहीं भी कंप्लेंट नहीं कर पाते थे। ध्रुव के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश हो रही थी। देव को तो पूरी उम्मीद थी कि उसकी बात को ध्रुव नहीं टाल सकता, तो ध्रुव ने देव से कहा, मैं भले ही यहां स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं की। हाँ, मुझे यहां पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ढूंढ लूंगा। पर मैं अपनी सीट को नहीं जाने दूंगा, मुझे भी इस जगह की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता। जिस तरह ध्रुव ने देव को जवाब दिया था, उसे सुनने के बाद देव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ध्रुव ने देव को उसके सभी दोस्तों के सामने मना किया था। देव को ना सुनने की आदत नहीं थी और उसके सभी दोस्तों के सामने ध्रुव ने उसे सीधे सीधे मना किया था। देव ने अपने आप को शांत रखा और जोरों से हंसने लगा। सिर्फ देव ही नहीं बल्कि उसके सभी दोस्त भी हंस रहे थे। देव ने सभी लोगों को शांत किया और थोड़ा सीरियस होते हुए ध्रुव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ दिनों में तुम ऑक्सफोर्ड जैसी इंग्लिश बोलने लगोगे, या तुम्हें यहां के डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज आ जाएगी? एक बार के लिए तुमने अपना एडमिशन संभाल भी लिया, तो भी मुझसे कौन बचाएगा? क्या तुम नहीं जानते कि हम तुम्हारे जैसे लोगों के साथ क्या करते हैं? थोड़ा सोचकर बोला करो कि किससे क्या बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शब्द तुम्ही पर भारी पड़ जाए। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें समझा सकूं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है तो ये तुम्हारी मर्जी है। अब तक तो हम शांत थे, लेकिन आगे की कोई गारंटी नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हारा इस कॉलेज में आना जाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए एक बार अच्छे से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो ध्रुव ने देव को जवाब देते हुए कहा, मेरा एडमिशन यहां हो चुका है, इसलिए अब जब तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं जाने वाला। अब ध्रुव के साथ क्या होगा? ये लोग कौन है जो ध्रुव की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है? क्या ध्रुव के लिए स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में रहना और मुश्किल होने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए। जब हॉस्टल के कंपाउंड में यह सब चल रहा था, उसी समय हॉस्टल में काम करने वाले स्टाफ मेंबर ने वार्डन को इस बारे में सब बता दिया। वार्डन अपने साथ दो तीन लोगों को लेकर हॉस्टल की तरफ आ रहे थे। एक स्टूडेंट भागा भागा देव के पास आया और उसने देव को बताया कि कुछ ही देर में वहां वार्डन पहुंचने वाला है। देव को कॉलेज में कोई परेशान नहीं करता था, बस एक आदमी को छोड़कर, और वो थे वार्डन। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में वार्डन की पावर काफी ज्यादा होती है, इस वजह से कोई भी स्टूडेंट उनके मुंह नहीं लगता था। वार्डन के बारे में सुनते ही वहां पर मौजूद कुछ लोग चले गए ताकि खुद को बचा सके। देव के पास भी वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। देव को अब पूरा यकीन हो गया था कि वार्डन को बुलाने के पीछे ध्रुव का ही हाथ है, और ये काम करके उसने खुद को देव का सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। देव ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी लेनी है तो ठीक है। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, आगे की पूरी फिल्म तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगी। एक दिन मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकाल कर ही रहूंगा, और ये मेरा वादा है। इतना कहने के बाद देव वहां से चला गया और बाकी स्टूडेंट भी वहां से चले गए। ध्रुव ने भी वहां से जाना ठीक समझा। वो भी जानता था कि अगर वार्डन ने उसे देख लिया तो उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उसे बेकार में परेशान होना पड़ेगा। ध्रुव वहां से वापिस आ गया और दोबारा लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई में लग गया। लाइब्रेरी में काम करने वाला स्टाफ मेंबर ध्रुव के हर एक मोमेंट पर नजर रखे हुए था। उसने फिर से फोन में मैसेज किया, सिचुएशन कंट्रोल में है, सब्जेक्ट सिक्योर है, आगे के लिए सभी टीम्स स्टैंड बाय पर रहेगी। उस दिन के बाद ध्रुव और देव की दुश्मनी शुरू हो गई। ध्रुव की लड़ाई अब सिर्फ खुद से नहीं
बल्कि कॉलेज के सबसे पॉपुलर और पावरफुल स्टूडेंट से भी थी। ध्रुव और देव की दुश्मनी अपने चरम पर थी। जब हॉस्टल में अचानक से वार्डन आ गया, उसके बाद से देव और उसके दोस्त ध्रुव को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हर वक्त उसे नीचा दिखाना उनका सबसे पसंदीदा काम बन चुका था। लोग सिर्फ ध्रुव के बैकग्राउंड को ही नहीं बल्कि उसके पहनावे और यहाँ तक कि उसकी इस बात का मजाक बनाते थे कि उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता। हालत ऐसी हो गई थी कि ध्रुव का कैफेटेरिया जाना भी मुश्किल हो गया था। देव ने एक बात और फैला दी थी कि ध्रुव वहां सच में पढ़ने नहीं आया था, बल्कि उसका इरादा अपनी सीट के बदले पैसे लेने का था। देव ने दूसरे लोगों को बताया कि ध्रुव ने उससे अपनी सीट छोड़ने के बदले पैसे मांगे। इस बात को सच साबित करने के लिए उसने फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बना लिया। जाहिर था कि जब इतनी बड़ी बात होगी तो इसकी भनक डिसिप्लिनरी कमेटी तक भी जाएगी। वाइस चांसलर के कानों तक भी ये बात किसी तरह पहुंच गई। कमेटी ने मीटिंग बुलाई और क्योंकि कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स देव के फेवर में थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि ध्रुव का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। एक झूठी अफवाह के लिए ध्रुव को कॉलेज से निकाले जाने की बात हो रही थी। वाइस चांसलर ने कमेटी के फैसले के बाद ध्रुव को अपने कैबिन में बुलाया ताकि वो खुद इस बारे में उसे बता सके। ध्रुव कॉलेज से परेशान हो चुका था, अब उसका हौसला जवाब देने लगा था। जब हर जगह से किसी को सिर्फ हार और निराशा ही मिले, तब अपने फैसले पर कायम रहना बहुत मुश्किल होता है। ध्रुव वाइस चांसलर के कैबिन में आया और उसने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा। वाइस चांसलर ने ध्रुव से कहा, बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ध्रुव चुपचाप वाइस चांसलर के डेस्क के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वाइस चांसलर ने फिर ध्रुव से पूछा, कॉलेज में आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ध्रुव ने वाइस चांसलर से कहा, सर आपका कॉलेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन शायद मैं इस कॉलेज के लिए सही नहीं हूं। मेरे यहां आने से कई लोगों को परेशानी है, मैं ऐसी जगह पर रहकर नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरा एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। तो वाइस चांसलर ने ध्रुव से कहा, यह सच है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाता कि इस सब में तुम्हारा कोई हाथ है, तब तक मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचूंगा। मैंने तुम्हें यहां डांटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक कहानी सुनाने के लिए बुलाया है। आज से कुछ 20 साल पहले तुम्हारी तरह एक लड़का एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर तय करके आया था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उम्मीद थी कि एक दिन उसके सपने सच हो जाएंगे। शुरुआत के 4 साल वो मुंबई के 80% लोगों की तरह रहा। हर जगह से उसे निराशा ही मिली। उसने झूठे बर्तन मांजे, न्यूज़पेपर बेचे, चाय की दुकानों पर काम किया और फिर बीएमसी में स्वीपर का काम भी किया ताकि कहीं से तो पैसे कमा सके। वो पढ़ने में अच्छा था, उसके पास डिग्रियां थी, इसके बावजूद भी कहीं पर भी उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। इसी तरह 4 साल बीत गए और घर वाले भी बोलने लगे कि गांव लौटने का समय आ गया है। उसने भी मन बना लिया था कि अब घर वापस चलना चाहिए। एक दिन उसकी किस्मत चमकी और उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो अपने सपनों को पीछे छोड़ चुका है। तुम्हारी कहानी भी ऐसी ही है। अगर तुम हार मान जाओगे तो जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनकी जीत हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मेहनत से इस जगह पर पहुंचे हो। जब तुम जानते हो कि तुम सच के साथ हो तो तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है? अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। अगर तुम्हें किसी से कोई परेशानी होती है तो मुझे बताओ। डिसिप्लिनरी कमेटी सभी की बात सुनती है। कमेटी में बैठे लोग भले ही किसी का फेवर करते हो पर आखिरी फैसला मेरा ही होता है। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हर एक चीज में कोई ना कोई खराबी होती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि क्या खराबी है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि उसे दूर किस तरह किया जाए।
क्या तुम समझ पा रहे हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं? ध्रुव ने वाइस चांसलर की बात बहुत ध्यान से सुनी तो उसने कहा, जी सर, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ रहा हूं। आप ठीक कह रहे, मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वाइस चांसलर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, गुड, चलो अब तुम अपनी क्लास में वापस जाओ और किसी चीज के बारे में टेंशन मत लेना। ध्रुव वहां से जा ही रहा था तभी उसके मन में एक सवाल आया तो उसने वाइस चांसलर से पूछा, सर, आप जिनकी कहानी सुना रहे थे वो कौन है? वाइस चांसलर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम इस वक्त उन्हीं से बात कर रहे हो। वाइस चांसलर से मिलने के बाद ध्रुव अपने अंदर एक नई एनर्जी को फील कर रहा था। वो एक बार फिर लड़ने को तैयार हो गया था। उसके बाद उसी दिन शाम को लोगों को पता चला कि डिसिप्लिनरी कमिटी के फैसले को वाइस चांसलर ने रिजेक्ट कर दिया है। इस फैसले को लेने के पीछे का कारण था कि किसी भी ठोस एविडेंस का न मिलना। इस फैसले से बहुत लोग नाखुश थे लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। देव ने इसके बाद कॉलेज की पॉलिटिक्स को गरमा दिया। इस पूरे मामले में उसने कॉलेज के स्टूडेंट प्रेसिडेंट को खड़ा कर दिया। कई लोगों ने कॉलेज के मैनेजमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी अपनी क्लासेस को बंक किया ताकि अपनी नाराजगी बता सके। कॉलेज मैनेजमेंट ने भी इस प्रदर्शन को दबाने के लिए पूरी कोशिश की। देव ने पूरे कॉलेज को ध्रुव के खिलाफ खड़ा कर दिया था। लोग उसे फॉलो करते थे, उसकी बातों को सुनते थे, इसलिए उसके पास मेजोरिटी का ओपिनियन था। देव खुद स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हुआ बल्कि उसने अपने दोस्त को प्रेसिडेंट बनाया था। उसका ये दोस्त उसकी कोई बात नहीं टाल सकता था। ड्रामा के बीच फाइनली वाइस चांसलर ने देव को अपने कैबिन में बुलाया ताकि उससे बात कर सके। वो इस प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहते थे क्योंकि इससे कॉलेज की इमेज खराब हो रही थी। वाइस चांसलर ने देव से कहा, तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि तुम सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब कर रहे हो। जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग को तुम प्रूफ बनाकर सबके सामने पेश कर रहे हो वो फेक है। मेरे पास इस बात का सबूत है। अब तुम खुद सोच लो कि तुम क्या चाहते हो, देव ने वाइस चांसलर से कहा। अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज मेरे साथ है और आप भी जानते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले को आप मानेंगे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एक मामूली रिजर्व स्टूडेंट के लिए इतना परेशान होना सही नहीं है सर। जैसा कि कॉलेज के रूल्स में लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको ध्रुव का एडमिशन कैंसिल करना होगा, यही हमारी डिमांड है। वाइस चांसलर ने एक लंबी सांस ली और देव से कहा, मैं उसका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता लेकिन उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड जरूर कर सकता हूं। देव ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर वाइस चांसलर से कहा, ठीक है सर, सस्पेंशन ऑर्डर से मेरा काम हो जाएगा। शाम तक स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्रुव का सस्पेंशन ऑर्डर पब्लिक कर दिया। उस ऑर्डर को पढ़ते ही ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। अभी उसे इस बुरी खबर के बारे में पता चले कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसने देखा कि देव 10-20 लड़कों के साथ उसके क्लास में आ गया है। कॉलेज का स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी उसके साथ था और वहां नारे लग रहे थे। देव ध्रुव के पास आया और उसने उसके कानों में धीरे से कहा, लड़ाई अपनी औकात वालों से की जाती है, अगर अपनी औकात से बाहर जाओगे तो ऐसा ही होगा। जिस चिंगारी को तुमने भड़काया था अब वो आग में बदल गई है। ये आग तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम्हारा सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अब तुम्हारे पास वापस जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्टूडेंट प्रेसिडेंट ने भी ध्रुव से कहा, अपना बैग उठाओ और चुपचाप इस कॉलेज से बाहर निकल जाओ। नारों के शोर के बीच में ध्रुव कॉलेज से बाहर की तरफ चला गया। देव का कहा गया एक एक शब्द उसके कानों में किसी सायरन की तरह गूंज रहा था। आज उसने अपनी आंखों से एक सच देख लिया था कि दुनिया सिर्फ उन्हीं की है जिसके पास पैसा और ताकत है। आखिरी बार ध्रुव ने स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के मेन गेट को देखा, वही गेट जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी।
लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना सब कुछ हार बैठा हो। जब एक पल में सब कुछ बिखर जाए तो कैसा लगता है। जिंदगी में ध्रुव को बस एक मौका मिला। इस मौके से वो अपनी आई के लिए कुछ कर सकता था, उनके पुराने सपने को साकार कर सकता था। ध्रुव ने सोचा था कि एक दिन वो आई को उनका अपना घर देगा। अब ये सभी सपने बस सपने ही रह गए थे। ध्रुव भारी कदमों से अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से वो अपनी आई को उसके सस्पेंशन के बारे में बताएगा। ध्रुव ने आज तक अपनी आई से कुछ नहीं छुपाया था। दुनिया में बस वही तो एक थी जिन्हें हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी। ध्रुव के लिए तो उसकी पूरी दुनिया उसकी आई ही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ध्रुव कभी भी अपनी आई को तकलीफ में देखना नहीं चाहता था। आखिर वो कौन लोग हैं जो हर कदम पर ध्रुव की मदद कर रहे हैं? क्या ध्रुव की कहानी बस इतनी ही थी? क्या ध्रुव अब कभी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में वापस नहीं जा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे जैसे घर करीब आता जा रहा था, ध्रुव के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बहुत सोचने और समझने के बाद उसने फैसला किया कि वो आज की रात अपनी आई का दिल नहीं दुखाएगा। उसने फैसला किया कि आज वो अपनी आई को इस सब के बारे में कुछ नहीं बताएगा। घर पहुंचने के बाद ध्रुव बिल्कुल नॉर्मल रहा ताकि उसकी आई को कुछ पता न चल पाए। ध्रुव कहां जानता था कि मां अपने बच्चों के बिना बोले ही उनके मन की बात समझ जाती है। ध्रुव की आई एक सेकंड में समझ गई कि कोई ऐसी बात हुई है जिससे ध्रुव बहुत परेशान है। ध्रुव की आई ने ध्रुव से पूछा, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। सच सच बताओ, क्या बात है? ध्रुव ने बात को छुपाते हुए अपनी आई से कहा, कुछ नहीं आई, बस कॉलेज में काम ज्यादा मिलता है इसलिए स्ट्रेस में हूं, और कोई बात नहीं है। ध्रुव की आई ने ध्रुव से कहा, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जो भी हुआ है सब बता दो। मैं जानती हूं कि कोई तो बात है। ध्रुव ने अपनी आई से कहा, आई आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। ध्रुव की आई ने ध्रुव से कहा, देखो अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे ज्यादा परेशानी होगी। तुम मुझे परेशान नहीं देखना चाहते तो खुलकर बताओ कि क्या बात है। ध्रुव ने कॉलेज में आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ अपनी आई को बता दिया। पूरी बात जानने के बाद ध्रुव की आई गुस्से में आ गई और उन्होंने ध्रुव से पूछा, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने बिना तुम्हारी गलती के ही तुम्हें बाहर निकाल दिया? इस तरह भला कोई सस्पेंड कैसे कर सकता है? ध्रुव, मैं कल ही एक अच्छे वकील को ढूंढती हूं ताकि वो हमारा केस लड़ सके। ध्रुव ने अपनी आई को रोकते हुए उनसे कहा, आई इस सब की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया है और वो अगले दिन घर भी पहुंच जाएगा। वैसे भी मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा था, मैं वहां एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए मेरे वहां से निकाले जाने पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और मेहनत करूंगा और इससे भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा। ध्रुव की आई ने उससे कहा, लेकिन तुम्हारे एक साल का क्या? तुम बाकी स्टूडेंट से एक साल पीछे हो जाओगे और इससे तुम्हारे करियर पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, बिना किसी रीजन के उन्होंने तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया, यहां तक कि तुम्हें सफाई देने का भी मौका नहीं दिया। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। ध्रुव ने अपनी आई से कहा, आई हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, वो इतने पावरफुल लोग हैं और हम मामूली, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीते जी आपको कोई परेशानी हो। आप चिंता मत करो, बप्पा सब सही कर देंगे जैसे हमेशा से करते आए हैं। ध्रुव की आई ने उससे कहा, ठीक है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अब तुम खाना खा लो। ध्रुव डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, लेकिन उसका खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। अपनी आई का दिल रखने के लिए उसने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद अपने रूम में चला गया। जिंदगी ने भले ही उसे बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन ध्रुव ने हारना नहीं सीखा था। ध्रुव अपने स्टडी टेबल पर बैठ गया और उसने अगले साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के शेड्यूल को निकाल लिया। अब उसका ध्यान अगले साल के स्कॉलरशिप एग्जाम की तरफ था। ध्रुव ने मन बना लिया था कि उसे अगले साल और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं।
ध्रुव अपने आगे की तैयारी में लग गया था। वो नहीं जानता था कि कुछ लोग उसकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखे हुए हैं। उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था और वो हर कीमत पर ध्रुव को कॉलेज में वापस लाना चाहते थे। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर अपने घर में थे। पूरे दिन की थकान के बाद उन्हें यही कुछ समय मिलता था जहां वो थोड़ा रिलैक्स कर सकते थे। आज उन्होंने अपने लिए एक बढ़िया ड्रिंक बनाई थी। जैसे उन्होंने ड्रिंक का ग्लास उठाया, अचानक उनका फोन बजने लगा। वाइस चांसलर ने फोन उठाया और कहा, हेलो, हु इज दिस? फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी ने उनसे कहा, सर, मैंने पहले भी कहा था कि ध्रुव को किसी चीज के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके बावजूद भी आपने उसे कॉलेज से निकाल दिया। उस आदमी की बात सुनकर वाइस चांसलर ने उस आदमी से कहा, देखिए, अभी ये पूरा केस डिसिप्लिनरी कमिटी के हवाले है। हमने ध्रुव को परमानेंटली नहीं निकाला है। मैं कुछ दिनों में अपना ऑर्डर वापस ले लूंगा। तो फोन की दूसरी तरफ से उस आदमी ने वाइस चांसलर से कहा, आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने अगर ध्रुव को निकाल दिया तो यह आपके कॉलेज के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे पास वकीलों की कमी नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इतना सब जानने के बाद भी आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? वाइस चांसलर ने उस आदमी से कहा, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ऊपर सवाल उठेंगे, मैं उनका क्या जवाब दूंगा? कुछ दिनों बाद जब कॉलेज का माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, तब मैं ध्रुव को कॉलेज वापस बुला लूंगा। उस आदमी ने वाइस चांसलर से कहा, ठीक है सर, हमें आपके ऊपर भरोसा है, पर एक बात ध्यान रखना, आप जैसा भी सोच रहे हैं उसमें 4 से 5 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर इससे एक भी दिन आगे हुआ तो फिर हमें कॉलेज के ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। ये बात सुनकर वाइस चांसलर ने उस आदमी से कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगले हफ्ते ध्रुव कॉलेज वापस आ जाएगा। इतनी बात होने के बाद उस आदमी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। एक हफ्ते तक कॉलेज में इस बारे में बातें होती रही कि किस तरह एक रिजर्व स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुई थी। एक हफ्ते बाद ध्रुव के घर पर स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का एक अपोलॉजी लेटर पहुंचा। उस लेटर में लिखा था कि कॉलेज के मैनेजमेंट से कितनी बड़ी गलती हो गई है। कॉलेज के वाइस चांसलर ने खुद मैनेजमेंट की तरफ से माफी मांगी और उन्होंने ध्रुव से रिक्वेस्ट की कि वो वापस कॉलेज ज्वाइन कर ले। लेटर को पढ़ने के बाद ध्रुव को यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में कॉलेज इस बात को लेकर इतना सीरियस है। ध्रुव की आई इससे बहुत खुश थी। ध्रुव के लिए तो ये सब किसी मिरेकल से कम नहीं था। शुरुआत में ध्रुव थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन उसके बाद उसने कॉलेज ज्वाइन करने का मन बना लिया। पूरे एक हफ्ते बाद जब ध्रुव दोबारा कॉलेज वापस लौटा तो वो कोई आम स्टूडेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने देव को ओपनली चैलेंज कर दिया था। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी रिजर्व स्टूडेंट ने देव जैसे पॉपुलर स्टूडेंट को हरा दिया था। देव की बात को अनसुना करके मैनेजमेंट ने ध्रुव को कॉलेज वापिस आने दिया। इस बात से देव बहुत नाराज था। उसने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट को वार्निंग मिल चुकी थी इसलिए उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कॉलेज ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया था कि ध्रुव को किसी भी तरीके की परेशानी पहुंचाने वाले के साथ वो ट्रीटमेंट किया जाएगा जो कि उसके साथ हुआ है। ध्रुव की वैल्यू अचानक बढ़ गई थी। कई लोग जानना चाहते थे कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। देव के सपोर्टर्स भी अभी भी यही मानते थे कि ध्रुव ने किसी तरीके से मैनेजमेंट को मना लिया होगा। ध्रुव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस अपनी पढ़ाई करनी थी। कम से कम अब उसे देव परेशान नहीं करेगा। कॉलेज वापस आते ही ध्रुव अपनी पढ़ाई में पहले की तरह लग गया। वो रोज लाइब्रेरी जाता था और वहां पर कम से कम 1-2 घंटे बैठता था। रेगुलर लाइब्रेरी जाने की वजह से उसे फायदा हुआ और उसकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी। धीरे धीरे ध्रुव ने क्लास में बोलना शुरू किया। समय के साथ ध्रुव का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। प्रोफेसर्स को भी समझ में आ गया था कि ध्रुव पढ़ने वाला स्टूडेंट है। ध्रुव के पास आइडियाज थे, उसके पास एक विजन था जो किसी और स्टूडेंट के पास नहीं था। ध्रुव के लिए कॉलेज में धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी थी। कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद हमेशा की तरह ध्रुव लाइब्रेरी में था। नीरज कॉलेज नहीं आया था क्योंकि उसे कुछ काम था, इसलिए उसने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। ध्रुव पढ़ने में बिजी था, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज पायल की थी
और वो किसी बात को लेकर लाइब्रेरियन से बहस कर रही थी। ध्रुव ने अपना काम छोड़ा और काउंटर की तरफ चला गया, जहां पर पायल लाइब्रेरियन से बहस कर रही थी। पायल को एक बुक रिटर्न करनी थी, लेकिन लाइब्रेरियन उसे वापस नहीं ले रहा था। लाइब्रेरियन के हिसाब से बुक में कुछ डैमेज हुआ था, जिसकी भरपाई पायल को करनी थी। ध्रुव ने बात को समझते हुए लाइब्रेरियन से कहा, सर, बुक की हालत इतनी भी खराब नहीं है कि आप इसके लिए पायल जैसे स्टूडेंट को परेशान करें। लाइब्रेरियन ने ध्रुव से कहा, तुम नहीं जानते ध्रुव, लेकिन मुझे हर चीज का जवाब देना पड़ता है। अगर मैं इस बुक को वापस ले लेता हूं और ऑडिट में इस बुक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो बात मेरे ऊपर आएगी। ध्रुव ने पायल से पूछा, क्या मैं एक सेकंड के लिए इस बुक को देख सकता हूं? पायल ने ध्रुव से कहा, बिल्कुल, तुम खुद ही देख लो। इस बुक में कोई भी बड़ा डैमेज नहीं है, फिर भी पता नहीं इनको क्यों प्रॉब्लम है। ध्रुव ने उस बुक को अच्छे से चेक किया, तब उसे पता चला कि बुक में कई पेजेस पर पेन से अंडरलाइन किया गया है। लाइब्रेरी के रूल्स के हिसाब से ऐसा करना गलत है, लेकिन इससे पूरी बुक को रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता। ध्रुव ने लाइब्रेरियन से कहा, कुछ नहीं होगा, आप इस बुक को वापस ले लीजिए। ऑडिट में अगर कोई बात आती है तो बता दीजिएगा कि कुछ बच्चों से गलती हो गई। यहां कोई मेजर डैमेज नहीं दिखाई दे रहा जिससे बुक को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए। लाइब्रेरियन ने कुछ देर तक ध्रुव की बात पर अमल किया और फिर बुक को अच्छे से देखा। उसे ध्रुव की बात में सच्चाई दिखी, इसलिए फाइनली वो तैयार हो गया। अपनी बुक रिटर्न करने के बाद पायल ने ध्रुव को थैंक यू बोलते हुए उससे कहा, पता है ये बुक अब मार्केट में आसानी से नहीं मिलती, इसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तुमने मेरा टाइम बचा लिया, इसलिए थैंक यू। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पायल से कहा, इट्स ओके, मैं भी इस बात को जानता था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। वैसे लाइब्रेरी में मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मेरी बात को टालते नहीं है। तुम्हें कभी भी लाइब्रेरी से जुड़ा कोई भी काम हो तो मुझे याद कर लेना। पायल ने ध्रुव से हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आज के बाद मैं इस बात को अच्छे से याद रखूंगी। बाय द वे, तुम हमेशा लाइब्रेरी में रहते हो या फिर कभी लाइब्रेरी के बाहर भी जाते हो या नहीं? ध्रुव ने पायल से कहा, ज्यादातर वक्त तो लाइब्रेरी में ही निकलता है, लेकिन कभी कभी मुझे बाहर घूमना भी अच्छा लगता है। पायल ने ध्रुव से पूछा, वैसे तुम क्या पढ़ रहे थे? बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि एक बार तुम्हारे नोट्स देख लूं। टीचर्स तुम्हारे नोट्स की बहुत तारीफ करते हैं और मुझे अच्छे नोट्स बनाने नहीं आते। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकती हूँ? ध्रुव ने पायल से कहा, मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी, तुम मेरे नोट्स देख सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पायल ध्रुव के बगल में बैठ गई और उसके नोट्स देखने लगी। नोट्स को लेकर दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू हुआ। ध्रुव का ध्यान सिर्फ पायल पर था। वो इस पल को हमेशा के लिए अपने जहन में कैद करना चाहता था, ताकि इसे कभी ना भूल पाए। एक तरफ ध्रुव था जो पायल को पसंद करता था, और दूसरी तरफ देव जो अब उसका दुश्मन बन चुका था। क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? क्या ध्रुव स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट में सर्वाइव कर पाएगा? क्या ध्रुव की जिंदगी के सभी गोल्स पूरे हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। बहुत समय के बाद ध्रुव की जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ था। पायल और ध्रुव के बीच में काफी बातें हुई और ध्रुव ने नोटिस किया कि उसे पायल से बात करने में हिचकिचाहट नहीं थी। उसे पायल के साथ एक कनेक्शन महसूस होता था। पूरे समय ध्रुव का पूरा ध्यान सिर्फ पायल पर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब उनका एक घंटे का फ्री लेक्चर खत्म हो गया था। लेक्चर खत्म होने के बाद दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। जाते जाते पायल ने ध्रुव से पूछा, सच में तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे हैं, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मुझे जब भी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, हम इसी तरह साथ में लाइब्रेरी में बैठ जाया करेंगे। ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि खुद पायल उससे उसका नंबर मांग रही है। पायल ने अपना फोन ध्रुव की तरफ बढ़ा दिया ताकि ध्रुव उसमें अपना नंबर डायल कर सके। ध्रुव ने अपना नंबर पायल के फोन में डायल किया तो पायल ने भी ध्रुव के नंबर पर मिस कॉल दिया ताकि ध्रुव भी उसका नंबर सेव कर सके। फिर पायल ने ध्रुव से कहा, थैंक यू वंस अगेन। इतना कहने के बाद पायल वहां से चली गई। ध्रुव उसे बस जाते हुए देखता ही रह गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ आज हुआ वो एक सच था ना कि कोई सपना। फिर ध्रुव खुशी में
अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लाइब्रेरी से निकलने के बाद पायल पार्किंग एरिया की तरफ गई, जहां देव अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। पायल ने देव से कहा, क्यों परेशान कर रहे थे मुझे, मैं पढ़ रही थी। तो देव ने पायल से कहा, पढ़ाई हो गई हो तो चलें, तुम्हें हमारा प्लान तो पता ही होगा। पायल ने देव से कहा, पता है, अब चलो। ये कहकर पायल देव की कार में बैठ गई। फिर देव अपनी कार में बैठा और दोनों वहां से बाहर की तरफ निकल गए। ध्रुव की जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव शुरू हो गया था जिससे होकर हर किसी को गुजरना पड़ता है। लाइब्रेरी में पायल से पहली बार मिलने के बाद वो दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ते थे। ध्रुव ने यह जाना कि पायल दूसरों की तरह नहीं थी। उसे इस बात का बुरा लगता था कि किस तरह हाई सोसाइटी से आने वाले स्टूडेंट्स रिजर्व स्टूडेंट्स को परेशान करते थे। जब भी उन दोनों की बात होती तो ध्रुव को टाइम का पता ही नहीं चलता था। नीरज ध्रुव का अच्छा दोस्त बन गया था, इसलिए उसे हमेशा इस बात की फिक्र लगी रहती थी कि कहीं इस सब में ध्रुव का दिल न टूट जाए। उसे इस बात का पता था कि ध्रुव अपनी फीलिंग्स को लेकर कितना सीरियस है। नीरज ने इस बारे में ध्रुव से बात करने की और उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन हमेशा ध्रुव इस बात को कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। ध्रुव को लगता था कि नीरज उसे जानबूझकर पायल से दूर करना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं इससे उसकी दोस्ती न खराब हो जाए। इस सब के बीच उड़ती हुई खबरें देव के कानों में भी पहुंची कि पायल और ध्रुव एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। देव तो पहले ही ध्रुव से चिढ़ा हुआ था, क्योंकि इतना करने के बावजूद वो ध्रुव को कॉलेज से बाहर नहीं निकाल पाया था। उसके प्लान की वजह से स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट को वाइस चांसलर से डांट भी खाने को मिली। देव अब ध्रुव से बदला लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। देव के एक दोस्त ने उससे कहा, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी आंखों के सामने एक अच्छी लड़की एक रिजर्व स्टूडेंट के साथ घूम रही है और तुम चुप बैठे हो। भूल गए कि किस तरह से उसने तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया था। पहले हमारे ग्रुप की एक रेपुटेशन हुआ करती थी, लेकिन अब उस रेपुटेशन का पूरी तरह से कचरा हो चुका है। इस सब का पूरा क्रेडिट उस दो कौड़ी के स्टूडेंट के अलावा और किसी को नहीं जाता है। फिर देव के एक दूसरे दोस्त ने कहा, तुम तो पायल में इंटरेस्टेड हो ना, तो क्या हुआ, मेरे हिसाब से अब तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इंतजार करते रह जाओ और पायल को कोई और तुमसे छीन कर ले जाए। अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है। तुम अगर पीछे रह गए तो हमारे ग्रुप का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। देव ने अपने दोनों दोस्तों को शांत करते हुए उनसे कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं अच्छे से जानता हूँ। हमारे ग्रुप को कुछ नहीं हुआ है और कोई नहीं है जो हमारे ग्रुप की रेपुटेशन पर सवाल उठा सके। हमें इस सबसे डरना नहीं है बल्कि मुंह तोड़ जवाब देना है। ध्रुव ने लड़ाई शुरू की है और इसे खत्म मैं करूंगा। लड़ाई का ऐलान हो चुका था। कुछ दिनों तक ऐसे ही ध्रुव और पायल एक साथ लाइब्रेरी जाकर पढ़ते रहे। दोनों एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करते थे और एक साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करते थे। ध्रुव का ध्यान सिर्फ पायल पर रहता था। वो कई बार कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता था लेकिन हमेशा फेल हो जाता था। उन दोनों को साथ में लाइब्रेरी जाते जाते लगभग एक महीना हो चुका था, इसलिए उनके बीच में दोस्ती हो गई थी। पायल ध्रुव से बहुत बातें करती थी लेकिन ध्रुव ज्यादातर वक्त शांत रहता था। कई बार ध्रुव का मन करता था कि उससे अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हमेशा उसे कोई ना कोई बात ऐसा करने से रोक देती थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर था कि अगर उसने ज्यादा जल्दबाजी दिखाई तो पायल से उसकी दोस्ती ना खराब हो जाए। ध्रुव को सही मौके का इंतजार था लेकिन अब तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद उसे एक मौका मिल गया। कॉलेज को शुरू हुए एक महीना हो गया था और सभी लोग फ्रेशर्स पार्टी की बात कर रहे थे जो कॉलेज की तरफ से नए बैच के स्टूडेंट को मिलती थी। सभी नए स्टूडेंट्स फ्रेशर्स पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और यह भी खबर आ रही थी कि कुछ लोग इस पार्टी में अपने प्लस वन के साथ नजर आने वाले थे, क्योंकि पार्टी का थीम पूरी तरह से बॉलीवुड और वेस्टर्न रखा गया था।
तो ध्रुव के मन में भी ख्याल आया कि क्यों ना इस पार्टी में ही वो अपने दिल की बात पायल से कह दे। उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन नीरज को इस आइडिया में जरा भी दम नहीं लग रहा था। तो नीरज ने ध्रुव से कहा, मेरे दोस्त, अभी तुम्हें पायल को जाने कुछ ही दिन हुए हैं और तुम सोचते हो कि तुम उससे अपने दिल की बात कह दोगे। तुम्हें क्या लगता है कि पायल इस सब के लिए तैयार हो जाएगी? मेरे दोस्त, इस पार्टी में सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, बल्कि दूसरे लोग भी रहेंगे। इतने सारे लोगों के बीच कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। ध्रुव ने हमेशा की तरह अपने दोस्त को इग्नोर करते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। पायल बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई और उसे ले जाए। अपनी आंखों के सामने मैं कभी ऐसा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। नीरज समझ गया था किस वक्त उसकी किसी भी बात का ध्रुव पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। फ्रेशर्स का दिन भी आ गया। ध्रुव अच्छी तरह से तैयार होकर सूट बूट में फ्रेशर्स पार्टी को अटेंड करने आया था। उसका सूट भले ही पुराने फैशन का था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी को सूट कर रहा था। आज वो अपने साथ एक गुलाब का फूल भी लाया था, जिसे देखकर वो पायल से अपने दिल की बात कहना चाहता था। आज उसे लगभग सभी लोगों से तारीफें सुनने को मिल रही थी। ध्रुव को दूसरों की तारीफों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस पायल का इंतजार था, जो अब तक पार्टी में कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फाइनली उसे पायल नजर आई। पायल रेड कलर की पार्टी गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह बहुत कम मेकअप लगाया हुआ था, फिर भी उसका चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था और उसकी ड्रेस से मैचिंग फुटवेयर पहना हुआ था। ध्रुव तो पायल को देखते ही कहीं खो गया था। इससे पहले कि ध्रुव उसे हाय या हेलो कह पाता, पायल अपने दोस्तों के साथ दूसरी तरफ चली गई ताकि पार्टी को एंजॉय कर सके। उसने ध्रुव पर ध्यान ही नहीं दिया। ध्रुव को ये देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त नीरज को ढूंढने में लग गया। पार्टी में खाने पीने के साथ डीजे का इंतजाम भी था। नीरज खाने के काउंटर पर था और ध्रुव का इंतजार कर रहा था। ध्रुव उसके पास गया तो नीरज ने ध्रुव से कहा, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। पूरी पार्टी में ध्रुव बस पायल को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी उसे नजर नहीं आई। खाना खाने के बाद ध्रुव और नीरज डीजे के पास आ गए। वहां पर उनकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे, लेकिन पायल क्लास से अलग दूसरे लोगों के साथ डांस कर रही थी। भीड़ में ध्रुव ने देखा कि देव और उसके दोस्त पायल की तरफ जा रहे हैं और देव भी पायल के साथ डांस कर रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और ये सब देखकर ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। पायल को देव के साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ध्रुव दूर से ये सब देख रहा था और उसका दिल बैठ गया था। पायल ने डांस करते हुए देखा कि ध्रुव और नीरज सबसे अलग खड़े हैं। पायल वहां से ध्रुव के पास आई और उसने ध्रुव के कान में कहा, हेलो, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने जवाब दिया, लेकिन पायल उसे ठीक से सुन नहीं पाई। थोड़ी देर तक पायल ध्रुव और नीरज के साथ में थी, लेकिन फिर देव वहां आ गया और उसने पायल का हाथ पकड़ा और ध्रुव से दूर ले गया। डीजे थोड़ी देर बाद बंद हो गया था। डीजे ने अनाउंस किया, अब इस पार्टी का वो मोमेंट जो हर किसी को याद रहेगा। इसके बाद डीजे ने सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक चलाया। जो भी स्टूडेंट्स अपने प्लस वन के साथ थे, वो अपने पैर में डांस करने लगे। पायल और देव भी अपने पैर में डांस करने लगे। फिर अचानक डांस करते हुए देव अपने घुटनों पर बैठा और उसने सभी के सामने पायल को प्रपोज कर दिया। बाकी सभी लोगों ने उन दोनों के लिए थोड़ी जगह बनाई ताकि वो भी देख सके कि पायल क्या जवाब देगी। पायल ने सबके सामने देव के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो हुआ उसे देखना भी ध्रुव के लिए नामुमकिन था। देव अपनी जगह से उठा और उसने सभी के सामने पायल को किस कर दिया। ये देख सभी स्टूडेंट तालियां बजाने लगे और देव को चीयर करने लगे। ध्रुव अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सब सच है या नहीं।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पायल पर गुस्सा हो या खुद की नादानी पर हंसे। पायल ने तो अपने सामने देव और उसके दोस्तों को दूसरों से बदतमीजी करते देखा था। वो सब जानते थे कि देव कैसा है, लेकिन इसके बावजूद उसने उसे चुना। ध्रुव को लगता था कि पायल दूसरों की जैसी नहीं है, लेकिन असलियत ऐसी नहीं थी। उसने भी वही किया जो कोई और लड़की करती। ध्रुव अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। उसने अपने फोन से नीरज को मैसेज किया, मैं घर जा रहा हूं। उसके बाद वो वहां से चला गया। नीरज ने ध्रुव को कॉल किया ताकि उसे बता सके कि उसने उन दोनों के लिए एक कैब बुक कर रखी है, लेकिन ध्रुव ने उसके कॉल का जवाब ही नहीं दिया। ध्रुव बस जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था। जिंदगी में पहली बार उसका दिल टूटा था। पायल ने उसके साथ जो भी किया वो सोचकर ध्रुव को बस यही समझ आ रहा था कि पायल ने उसका फायदा उठाया। उसे समझ आ रहा था कि ये सब किसने किया होगा। जब वो कॉलेज से मेन रोड पर आया तो उसने देखा कि एक कैब पहले से ही वहां पर खड़ी हुई है। ध्रुव ने कैब वाले से बात की और उसमें बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगा। एक दिन में वो इतना ही ड्रामा झेल सकता था। क्या सच में पायल ने जानबूझकर ध्रुव को धोखा दिया था? क्या पायल और देव के बीच पहले से कोई रिश्ता था? ध्रुव की कहानी में अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए। जब रात में ध्रुव अपने घर पहुंचा तो उसकी आई ने उससे बहुत से सवाल किए, लेकिन फिर ध्रुव के हाव भाव देखकर उन्होंने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर ध्रुव अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या उसकी जिंदगी अलग हो सकती थी? ऐसा क्या था जो उसके पास नहीं था? लोगों का उसे लेकर बर्ताव इतना गलत क्यों है? इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब था, पैसा। ध्रुव अगर पैसे वाली फैमिली से होता तो उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं होती। सिर्फ यही एक चीज उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती थी। ध्रुव इन सवालों का कुछ नहीं कर सकता था। उसकी जिंदगी की सच्चाई यही थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। वो रातों रात अपनी सच्चाई को बदल तो नहीं सकता था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगा। ध्रुव समझ चुका था कि पायल को लेकर उसकी फीलिंग्स एक तरफा है, इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स को भूलकर पायल से दूरी बनानी होगी। ये उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस रात ध्रुव ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। मन ही मन उसने सोचा कि कल उसे पहले की ही तरह नॉर्मल रहना होगा। आई को आज के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। ध्रुव रुक नहीं सकता था। उसका गोल आज भी पहले की तरह ही था। कल से सब पहले की तरह करना होगा। इसके बाद धीरे धीरे ध्रुव अपनी क्लास के स्टूडेंट से अलग हो गया। पहले भी उसका कोई दोस्त नहीं था और फ्रेशर्स के बाद तो उसने खुद से दूसरे स्टूडेंट से दूरियां बना ली। कॉलेज में उसका बस एक ही काम होता था, या तो क्लास अटेंड करना या फिर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना। वो और नीरज दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए थे, क्योंकि पूरी स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज में ध्रुव को सिर्फ नीरज ही ऐसा दिखता था जो उसकी बातों को समझ पाता था। नीरज का हाल भी ध्रुव जैसा ही था, इसलिए वो ध्रुव की सिचुएशन से रिलेट कर पा रहा था। देव और ध्रुव के बीच में हमेशा तकरार बनी रही। देव के दोस्तों ने ध्रुव और नीरज को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पायल देव की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, इसलिए हमेशा उसके ग्रुप के साथ रहती थी। हर दिन वो पायल को कॉलेज के कैंटीन में या बाहर देव और उसके दोस्तों के साथ घूमते हुए देखता था। पायल को देखते ही उसे फ्रेशर्स पार्टी वाला दिन याद आ जाता था। फ्रेशर्स के बाद पायल भी ध्रुव को अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी। ध्रुव ये बात अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि सबको पता था कि देव ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे में पॉसिबल था कि उसने ही पायल को ऐसा करने को कहा होगा। देखते ही देखते पता नहीं चला कि कब ग्रेजुएशन के 3 साल बीत गए। ध्रुव मिस्टर नोबडी बन गया था और देव की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। इन 3 सालों में ध्रुव ने इंग्लिश पर अच्छी कमान हासिल कर ली थी और इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि कॉलेज के प्रोफेसर और टीचर्स का उसे लेकर बर्ताव बदल गया था। ध्रुव क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसके पास जो आइडिया थे
और उसकी बेसिक कंसेप्ट पर जो कमांड थी उसकी वजह से क्लास में उसकी अपनी एक पोजीशन बन गई थी। क्लास के बाहर जो होता था वो अलग बात थी, लेकिन क्लास के अंदर हर कोई उसकी प्रेजेंटेशन सुनना चाहता था। ध्रुव के नोट्स बहुत अच्छे होते थे, इसलिए हर किसी को उसके नोट्स चाहिए होते थे। दूसरी तरफ पायल क्लास की टॉपर थी। पहले साल से अब तक उसने क्लास में कई बार टॉप किया था। ध्रुव और पायल एक ही क्लास में होते हुए भी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो गए। 3 साल बाद मुंबई। मुंबई की लाइफ बहुत फास्ट थी। यहां सुबह की पहली किरण पड़ते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। ध्रुव के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उसका कॉलेज उसके घर से इतना दूर था, इसलिए उसे रोज सुबह जल्दी उठकर तैयार होना पड़ता था। आज भी वो अलार्म की आवाज से उठा और घड़ी में टाइम देखकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। ध्रुव ने घड़ी में टाइम देखते हुए खुद से कहा, मर गए भाई, आज तो लगता है कि लेट हो जाएंगे। वो तैयार होकर रोज की तरह भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उनके सामने आया। ध्रुव का घर भले ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने भगवान के लिए घर में सुंदर और छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। हर सुबह सबसे पहले उठकर ध्रुव की आई भगवान को दिया लगाकर और उन्हें भोग लगाने के बाद ही कोई दूसरा काम करती थी। आज भी वहां पर आई का जलाया वो दिया रखा हुआ था। ध्रुव ने भगवान के सामने हाथ जोड़े और उनसे प्रार्थना की कि वो उन पर हमेशा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद ध्रुव अपनी माँ को ढूंढने लगा। उसने आई को आवाज लगाते हुए कहा, आई कहाँ हो तुम, चलो नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन ध्रुव को कोई जवाब नहीं मिला और उसे चिंता होने लगी। ध्रुव ने देखा कि उनके घर की छोटी सी बैठक में उसकी आई अकेली बैठी है और सिसक सिसक कर रो रही है। ध्रुव तुरंत अपनी आई के पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, अगर तुम रोओगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। ध्रुव की आई ने उसे अपने पास बिठाया और उससे कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया, आखिर ऐसा क्या हो गया था और उसकी आई किस सच की बात कर रही थी। तो ध्रुव ने कहा, आई क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताइए। ध्रुव की आई ने कहा, तुम पूछते थे ना कि तुम्हारे पापा कहाँ है। ध्रुव ने कहा, हाँ माँ, आपने बताया था कि बचपन में उनका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर ध्रुव की आई ने कहा, वो सब झूठ था बेटा, असल में तुम्हारे पापा जिंदा थे, लेकिन मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता पाई क्योंकि मैं मजबूर थी। तुम्हारे पापा का नाम रविश हीराचंदानी था। ये नाम सुनकर ध्रुव हैरान हो गया था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रविश हीराचंदानी ग्रुप के मालिक थे और ये ग्रुप दुनिया के कुछ सबसे अमीर बिजनेस ग्रुप्स में से एक था। उनका नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमियों में आता था। फिर ध्रुव की आई ने उसे आगे बताया, मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया, लेकिन हमारा ये फैसला हम दोनों की फैमिलीज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए हम दोनों अलग रहने लगे। शादी के 1 साल बाद तुम हमारी जिंदगी में आए, लेकिन तब तक तुम्हारे बाबा की फैमिली हमारे ऊपर प्रेशर डालने लगी और हीराचंदानी परिवार के लोगों की पहुंच इस देश के प्रधानमंत्री तक थी। मेरी और तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए तुम्हारे पापा मुझे और तुम्हें छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस चले गए ताकि हीराचंदानी ग्रुप की बागडोर संभाल सके। वो मुझे कभी कभी मिलने आते थे, लेकिन उनकी फैमिली के दबाव की वजह से उनका हमसे मिलना भी बंद हो गया। जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो मुझे घर खर्च के लिए वो पैसे भेजा करते थे। अलग रहने के 4 साल बाद हम दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया और उसके बाद मैं उनसे फिर कभी नहीं मिली। अपनी कहानी बताते बताते उसकी आई की आंखों में आंसू आ गए। फिर अपने आंसू पोंछते हुए आई ने आगे कहा, आज सुबह मुझे पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें उनके अंत्योष्टि में जाने के लिए बुलाया गया है। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
एक पल में उसकी जिंदगी बदल गई थी। ध्रुव ने खुद को संभालते हुए कहा, आए जो हुआ उसे भूल जाओ, बस अब आगे के बारे में सोचो। ध्रुव की आई ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता था बेटा कि तुम समझ जाओगे। आज शाम कॉलेज से आने के बाद मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी कि हमें कहां मिलना है, वहां से हम उनके निवास जाएंगे। ध्रुव ने अपने बैग में एक सफेद कुर्ता रख लिया ताकि कॉलेज से आने के बाद वो अंत्योष्टि में जाने के लिए तैयार हो सके। आई को बाय कहकर वो घर से कॉलेज के लिए निकल गया। ध्रुव ने आई से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज था कि वो ये सब जानकर कैसे रिएक्ट करे। उसने मन ही मन सोचा, आई ये तुमने मुझे कैसे सिचुएशन में डाल दिया है। एक पल उसे पता चला कि उसके पिता जिंदा थे और अगले ही पल उनके इस दुनिया में ना होने की खबर ने उसे एक और झटका दे दिया था। पूरे दिन ध्रुव इसी बारे में सोचता रहा कि आखिर इतने सालों के बाद उसे और उसकी आई को अंत्योष्टि में क्यों बुलाया गया है। क्या हीरा चंदानी परिवार उसे और उसकी आई को अपनाएगा, या फिर उन्हें वहां इसलिए बुलाया गया है कि उनके इंसल्ट करके उन्हें वापस बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्यों इतने सालों में उसके पापा एक बार भी उससे मिलने नहीं आए, क्या उन्हें उसकी याद नहीं आती थी। नीरज अपने दोस्त के बिहेवियर को समझ गया था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, तो नीरज ने ध्रुव से पूछा, क्या बात है यार, तू इतना गुमसुम क्यों बैठा है? देख अगर कल की बात को लेकर तुझे बुरा लगा है तो मैंने तो तुझे कई बार समझाने की कोशिश की, पर तू ही मानने को तैयार नहीं था। ध्रुव ने कहा, वो बात नहीं है यार, बस रात में अच्छे से नींद नहीं पूरी हुई तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कॉलेज खत्म होने के बाद ध्रुव बस बदलकर आई की बताई हुई जगह पर पहुंचा, जहां से वो दोनों एक साथ उसके पापा के निवास जाने वाले थे। थोड़ी देर में उसकी आई भी उसे उसी जगह पर मिली। फिर दोनों ने वहां से एक टैक्सी की और चंदानी निवास के लिए चल दिए। रास्ते में ना तो ध्रुव ने कुछ कहा था, ना ही उसकी आई ने। ध्रुव ने चुपचाप टी शर्ट के ऊपर सफेद कुर्ता पहन लिया और अपने पिता की अंत्योष्टि के लिए तैयार हो गया। बहुत ही अजीब सा माहौल था। पूरे रास्ते ध्रुव यही सोचता रहा कि आखिर उसकी आई ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। अब तक ध्रुव रवीश हीरा चंदानी के बारे में न्यूज और इंटरनेट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बदौलत ही जानता था। उसे कॉलेज में हीरा चंदानी ग्रुप की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया था और उनके ग्रुप की सक्सेस सीक्रेट के बारे में भी ध्रुव को अपने कोर्स की वजह से पता था। अब तक उसने अपने पिता को बड़े बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन के साथ देखा था, लेकिन असल जिंदगी में वो कैसे थे इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। ध्रुव बस अनुमान लगा रहा था कि आखिर उसके पिता कैसे हो सकते हैं। चंदानी निवास मुंबई के सबसे पॉश इलाके में बनी सबसे महंगी बिल्डिंग थी। इसके अलावा हीरा चंदानी परिवार की पूरे भारत में कई प्रॉपर्टीज थी। चंदानी निवास एक आलीशान घर था जहां पर परिवार वालों के लिए जिम, स्पा, थिएटर, स्विमिंग पूल जैसी लग्जरियस फैसिलिटीज थी। हीरा चंदानी परिवार को 24 घंटे हाईटेक सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि कोई भी उन्हें आसानी से अपना निशाना बना सकता था। परिवार के हर सदस्य के साथ कम से कम 4 गाड़ियां और 8 बॉडीगार्ड रहते थे। हीरा चंदानी ग्रुप की बात करें तो उनकी बिजनेस की शुरुआत स्टील की माइनिंग से हुई थी। इसके बाद उन्होंने कोयला, मार्बल, एल्यूमिनियम जैसे खनिजों की माइनिंग में अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की और फिर ऑयल और पेट्रोलियम की माइनिंग में भी उन्होंने अपना नाम बनाया। जैसे जैसे हीरा चंदानी ग्रुप का टर्नओवर बढ़ा, वैसे वैसे उन्होंने नए नए बिजनेस सेक्टर्स में अपने कदम रखे। आज हीरा चंदानी ग्रुप सर्विस सेक्टर से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तक में अपना डोमिनेंस रखता था। हीरा चंदानी ग्रुप की कंपनियां भारत की कुछ सबसे पुरानी कंपनियों में से एक थी, इसलिए लोगों को उन पर भरोसा था। हीरा चंदानी ग्रुप की बहुत सी कंपनियां भारत सरकार के साथ मिलकर आम लोगों को कई सर्विसेज मुहैया करवा रही थी और कई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी हीरा चंदानी ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ रहा था। पिछले एस्टिमेट्स और बैलेंस शीट की माने तो हीरा चंदानी ग्रुप का कुल टर्नओवर $500 बिलियन का था, जो करीब 24.5 लाख करोड़ रुपये होता है। क्या ध्रुव पायल के दिए इस धोखे को हमेशा हमेशा के लिए भुला पाएगा? क्या ध्रुव अपनी आय के बताए इस सच पर यकीन करेगा
आखिर क्या होगा जब ध्रुव और उसकी आई पहुंचेंगे हीरा चंदानी निवास। जानने के लिए सुनते रहिए। टैक्सी वाले ने ध्रुव और उसकी आई को चंदानी निवास के बाहर छोड़ दिया था। वो एक ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें 10 फ्लोर थे। ध्रुव की मां और ध्रुव दोनों गेट के पास पहुंचे, जहां पर गार्ड एक ग्लास पैनल के दूसरी तरफ बैठा था। ग्लास पैनल के दोनों तरफ बातचीत करने के लिए वहां पर एक स्पीकर और माइक्रोफोन लगाया गया था। ध्रुव की आई ने माइक्रोफोन में कहा, मेरा नाम मीरा कामत है और मुझे अंदर अंत्योष्टि में जाना है। ग्लास पैनल की दूसरी तरफ से गार्ड ने कहा, एक मिनट रुको, मैं अंदर से क्लियरेंस लेकर आता हूं। एक बार वेरीफाई करने के बाद गार्ड ने ध्रुव और उसकी मां दोनों के नाम ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज किए और उन्हें तुरंत 2 आई कार्ड बनाकर दिए, जिससे उनकी पहचान हो सके। फिर गार्ड ने उनसे कहा, इस कार्ड को संभाल कर रखिएगा। इसके बाद दोनों के सामने वो भारी हैवी ड्यूटी दरवाजा खुलता है और दोनों बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर दिखाई देता है, जो पार्किंग स्पेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उसके बीच से एंट्रेंस गैलरी बनी थी, जो घर के रिसेप्शन तक जाती थी। गैलरी में घुसने से पहले और पार्किंग एरिया तक पहुंचने से पहले ध्रुव और उसकी मां की 2 बार चेकिंग की गई। रिसेप्शन एरिया में एक 30 से 40 साल का आदमी उनका वेट कर रहा था। उसने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। ध्रुव उस आदमी को देखते ही पहचान गया कि वो कौन है। वो आदमी रविश हीराचंदानी का छोटा भाई रितेश हीराचंदानी था, यानी ध्रुव का चाचा। रितेश ने ध्रुव की आई को नमस्ते कहा और ध्रुव से हेलो कहकर उन्हें एक लिफ्ट की तरफ ले गया। इस लिफ्ट से ही दूसरे फ्लोर पर जाया जाता था। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और इसी बीच रितेश ने उसकी आई से कहा, आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात है कि आप अपने बेटे को भी साथ में लेकर आई है। ध्रुव रितेश की चेहरे की रेखाओं को पढ़कर ये बता सकता था कि रितेश को उनके यहां आने से ज्यादा खुशी नहीं थी। ध्रुव की आई ने जवाब देते हुए कहा, मैं यहां अपने पति के लिए आई हूं। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। साफ था कि उसकी आई अपनी बीती यादों को भुला नहीं पाई थी। रितेश उनकी बात सुनकर चुप हो गया और फिर लिफ्ट में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो लोग एक लंबी गैलरी में पहुंच गए, जहां दोनों तरफ कुछ कमरे बने हुए थे। उस गैलरी में आगे चलते चलते वो एक बड़े खुले हॉल में पहुंचे। उस हॉल का दूसरा सिरा बालकनी की तरफ पड़ता था और उसी दिशा में रविश हीराचंदानी का पार्थिव शरीर परिवार और संबंधियों के लिए रखा हुआ था। शरीर को मौसम से बचाने के लिए उसे एक ग्लास के केस में रखा हुआ था, जिसमें लगातार एयर कंडीशनिंग दी जा रही थी। ध्रुव की आई दौड़ते हुए रविश हीराचंदानी के पार्थिव शरीर के सिरहाने बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। ध्रुव उन्हें संभालने के लिए उनके बगल में बैठ गया। वहां मौजूद बहुत से लोग उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उन्हें कभी वहां नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद आई और ध्रुव एक सिरहाने आकर बैठ गए, जहां दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। कुछ देर बाद 4 लोग आए और रविश हीराचंदानी के पार्थिव शरीर को उठाकर वहां से चले गए। वो सभी रविश हीराचंदानी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। कुछ देर बाद वो सभी लोग वापिस आ गए और रितेश के हाथ में अस्थियों से भरा कलश था। एक 50 साल का आदमी जो चश्मा लगाए हुए था सभी के सामने आया और अपनी जेब से एक पेपर निकाला और फिर सभी की तरफ देखते हुए उसने कहा, आप सबका यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को रविश भाई की याद हमेशा आती रहेगी और उनके ना होने का एहसास भी हमारे साथ रहेगा। यहां सभी लोग परिवार के हैं और उनमें से मीरा जी और ध्रुव भी है। मैं उन दोनों का धन्यवाद करता हूं। मेरे हाथ में रविश भाई की लिखी हुई वसीयत है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति किसको मिलेगी। उन्होंने कहा है यह उनकी इच्छा है कि ध्रुव और उसकी आई को इस परिवार का हिस्सा माना जाए। उनकी सभी निजी संपत्ति ध्रुव और उसकी आई को जाती है। हीरा चंदानी ग्रुप के लीडर के तौर पर उन्होंने अपने छोटे भाई को चुना है। जब तक परिवार में तीसरी पीढ़ी का कोई सदस्य अपनी काबिलियत साबित नहीं करता,
उन्हें आशा है कि उनके इच्छाओं का पालन होगा। वसीयत को पढ़ने के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच में आपस में बातचीत होने लगी। ध्रुव ने देखा कि वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस वसीयत से खुश नजर नहीं आ रहे थे। अब आगे क्या होगा इसके बारे में ध्रुव को कुछ पता नहीं था। रविश हीराचंदानी की वसीयत ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। उन सभी की आंखों में ध्रुव को अपने और अपनी आय के लिए नफरत और जलन साफ साफ दिख रही थी। वो नहीं जानता था कि उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, लेकिन उसे इस बात में कोई शक नहीं था कि उनकी प्रेजेंस वहां पर अनवेलकम थी। ध्रुव जितनी जल्दी हो सके वहां से जाना चाहता था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही पल में कैसे उसकी जिंदगी ने 180 डिग्री टर्न ले लिया था। उसने अपनी जगह से देखा कि उसके चाचा के बगल में कोई लेडी खड़ी हुई थी। इंटरनेट पर उसने उनका नाम देखा था। वो थी जानी मानी मॉडल सुमित्रा हीराचंदानी, जो रितेश हीराचंदानी की वाइफ थी और उस हिसाब से वो रिश्ते में ध्रुव की चाची थी। जब सुमित्रा ने देखा कि ध्रुव उसकी ही तरफ देख रहा है तो वो उसे देख हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन ध्रुव उस स्माइल के पीछे की फेकनेस को पहचान गया। अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में जिन लोगों से वो दूर भागता रहा, आज फिर उनके बीच में खड़ा हुआ था और वो उसके रिश्तेदार भी बन गए थे। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पापा ने ये सब क्यों किया और वो ये सब करके क्या अचीव करना चाहते थे। ध्रुव के कितने ही बर्थडे उन्होंने मिस किए, आई के कितने ही प्रमोशंस को भी उन्होंने मिस किया। बेसिकली वो उसकी लाइफ में कभी रहे ही नहीं, ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। जब उसका और उसकी माँ का उनसे कोई रिश्ता बचा ही नहीं था, तो फिर वो इतने सालों बाद क्यों उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। जितना ध्रुव हीराचंदानी ग्रुप के बारे में जानता था, उस इन्फॉर्मेशन से उसे पता था कि यहाँ पर लीडर की पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आखिर हीराचंदानी उसके जैसे किसी बाहरी को कैसे अपना लीडर बना सकता है। सबसे बढ़कर उसे खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि वो इस पोजीशन के लिए कम्पीट कर सकता है या अपने आप को एक कैंडिडेट के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है। हीराचंदानी का इतना बड़ा बिजनेस हजारों कंपनीज और बहुत सी कॉम्प्लेक्स डील्स का नतीजा था। ऐसे में उसके जैसा एक मैनेजमेंट स्टूडेंट क्या ही कर पाएगा ऐसे एम्पायर को मैनेज करने में। ध्रुव की चाची ने रितेश की कान में धीरे से कहा, ये सब क्या गड़बड़ है, क्या तुमसे इतना सा भी काम नहीं होता? रितेश ने गुस्से में जवाब दिया, मेरा भाई क्या कर रहा था इसका मुझे कैसे पता होगा, वो तो लंबे टाइम से लंदन में था। तो सुमित्रा ने कहा, जस्ट अमेजिंग, अब हमें सड़क छाप लोगों को अपने घर में इज्जत देनी होगी। तुम्हारा भाई सच में ग्रेट था, जाते जाते भी हमारे सर पर इतना बड़ा बोझ छोड़ कर गया। रितेश ने सुमित्रा को चुप करवाते हुए कहा, दिस इज नॉट द राइट टाइम, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आई एम श्योर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रितेश जानता था कि जीते जी तो रविश को ये सब करने नहीं दिया जाता, इसलिए उसने अपने मरने के बाद ये चाल चली है। रितेश ने मन में सोचा, भाई वेल प्लेड, लेकिन मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता, हीराचंदानी ग्रुप का लीडर मेरे बाद मेरा बेटा बनेगा और जब तक कि ये रियलिटी नहीं हो जाती, आई विल नॉट स्टैंड बाई इट। हीराचंदानी परिवार में ध्रुव के चाचा चाची ही नहीं बल्कि और भी कई रिश्तेदार थे। रितेश हीराचंदानी के दो बच्चे थे, उनका बड़ा बेटा विवेक हीराचंदानी ऑक्सफोर्ड एल्यूमनी था और लीडर की रेस में सबसे आगे वही था। उनके बेटी का नाम शिफाली था और वो भी अपनी माँ की तरह ही एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए बचपन से ही उसने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। करंटली वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और जैसा कि ट्रेडिशन था, हीराचंदानी ग्रुप में फीमेल लीडर्स को तभी शामिल किया जाता है जब वो खुद से फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाए। शेफाली का ऐसा कोई इरादा नहीं था। दूर से ही विवेक ध्रुव को देखकर सोच रहा था, फॉर नाउ इट्स गुड कि मैं इस बात को सीक्रेट ही रखूं कि ये कचरा मेरा भाई है, इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो शेफाली ने अपने भाई से कहा, आई कांट बिलीव कि ये लूजर मेरा भाई है और मुझसे बड़ा है। विवेक ने कहा, जैसे तुम इसे भाई मानोगी। फिर उसने दोनों माँ बेटे की ओर देखते हुए कहा,
जैसे ही मैं लीडर बनूंगा मैं इन दोनों को फैमिली से बाहर कर दूंगा। अंत्योष्टि के खत्म होने के बाद रितेश ध्रुव और उसकी आई को चंदानी निवास के बाहर छोड़ने आया तो रितेश ने लिफ्ट में ध्रुव की आई से कहा, भाभी जो भी पहले हुआ अब वो पास्ट है। मैं भाई की हर इच्छा को पूरा करना चाहता हूं, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब आप फैमिली का हिस्सा है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको ठीक लगे आप डिनर पर जरूर आइएगा ताकि हम एक दूसरे को जान सके। मैं सिक्योरिटी टीम से कहकर आपके लिए परमानेंट क्लियरेंस अरेंज करवाता हूं। जब भी आप दोनों को यहां आना हो आप आ सकते हो। ध्रुव की आई ने रितेश की बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया और ये देखकर ध्रुव थोड़ा सरप्राइज था। फिर उसे याद आया कि उसकी आई ने अभी अभी अपने पति को खोया है और ऐसे वक्त में उनके लिए कुछ भी कह पाना या सोच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ध्रुव को अपनी आई की चिंता थी क्योंकि ये दर्द उनके साथ हमेशा रहने वाला है। फिर रितेश ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव तुम तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना? आई नो अबाउट योर कॉलेज। वेरी गुड, तब तो तुम्हें बिजनेस के बारे में काफी कुछ पता होगा। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो ध्यान रहे कि तुम्हारा चाचा अभी है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ध्रुव ने हां में अपना सिर हिला दिया लेकिन कुछ कहा नहीं। रितेश ने ध्रुव और उसकी आई के लिए परमानेंट क्लियरेंस अरेंज करवा दिया और उन्हें दो कार्ड्स इशू हो गए जिसकी मदद से वो कभी भी चंदानी निवास में आ जा सकते थे। फिर रितेश ने ध्रुव से कहा, इसे संभाल कर रखना। लौटते वक्त रितेश ने ध्रुव और उसकी आई को फोर्स किया कि वो उनके लिए गाड़ी अरेंज कर रहा है लेकिन मां ने मना कर दिया। चंदानी निवास से बाहर निकलकर उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी और अपने घर की तरफ चल दिए। पूरे रास्ते एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा लेकिन ना तो ध्रुव ने अपनी मां से कुछ कहा और ना ही उसकी आई ने उससे कुछ कहा। ध्रुव के मन में कई सवाल थे और गुस्सा भी था। आखिर उसकी मां ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया, वो चुप क्यों रही? ध्रुव ने मन ही मन सोचा, ये हो ही नहीं सकता कि हीरा चंदानी परिवार मुझे और मेरी आई को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उनसे दूरी बना लूं। घर आकर आई चुपचाप कमरे में चली गई। उन्होंने ध्रुव से एक शब्द तक नहीं कहा। ध्रुव भी अपने कमरे में आकर चुपचाप बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसे नींद आ गई और वह अजीब ख्यालों में खो गया। अगले दिन जब ध्रुव की आंख खुली उसके फोन के बजने के कारण वो कोई अननोन नंबर था। ध्रुव ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सर, मैं शिवानी आपकी पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हूँ। ध्रुव यह सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा नया ड्रामा है। उसे क्या पता था कि अब तो उसकी पूरी लाइफ ही चलता फिरता ड्रामा बनने वाली है। क्या ध्रुव एक्सेप्ट करेगा अपनी नई पहचान को या फिर हो जाएगा किसी नई साजिश का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए। ध्रुव बहुत कंफ्यूजन में था। आखिर उसने कब किसी पर्सनल असिस्टेंट को हायर किया था? उसके जैसा एक आम स्टूडेंट क्यों करेगा जब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके मैनेजमेंट के लिए उसे किसी और की हेल्प लेनी पड़े। फिर ध्रुव ने कहा, आई एम सॉरी लेकिन आपने शायद रॉन्ग नंबर लगा दिया है। ये कहकर ध्रुव फोन रखने ही वाला था कि तभी उस लड़की ने आगे कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं ध्रुव कामत से बात कर रही हूँ ना। ध्रुव उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया तो उसने उस लड़की से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता जबकि मैं किसी शिवानी को जानता तक नहीं। फोन की दूसरी तरफ से उस लड़की ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, सर हमें आपके फाइनेंशियल और दूसरे एसेट मैनेज करने के लिए हायर किया गया है। हमें आपकी सिक्योरिटी, पब्लिक रिलेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसी हर एक चीज को मैनेज करने के लिए हायर किया गया है। हमारे साथ रवीश हीरा चंदानी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग उनकी मौत के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना ईमेल चेक करें और अटैचमेंट में आपको एक लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट के हिसाब से अपनी और अपनी माँ के सभी डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें ताकि हम आपको हीरा चंदानी फैमिली के ट्रस्ट के मेंबर के रूप में रजिस्टर कर सकें। फिर ध्रुव ने ईमेल चेक किया और वहां उसे किसी शिवानी की ओर से ईमेल आया था जिसमें उसने कुछ डिटेल्स मांगी थी। ध्रुव को शक हुआ
कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, या फिर ये कोई नया साइबर फ्रॉड तो नहीं है? ध्रुव ने उस लड़की से पूछा। मैं आपकी बातों पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? उस लड़की ने जवाब दिया। सर, अगर आप हमारे साथ वर्चुअली कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो हमें अपनी टीम को आपके घर भेजना पड़ेगा, और फिर आपके और हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, मैं अपने और अपने आई के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजता हूँ। ये कहकर ध्रुव ने फोन कट कर दिया। फिर ध्रुव ने उस मेल को ध्यान से पढ़ा। उसमें जो एड्रेस दिया गया था वो किसी सिक्योरिटी कंपनी का था। ध्रुव ने इस कंपनी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि कॉर्टिस कंपनी एक जानी मानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी थी जो बड़े बड़े सिलेक्टेड और बिजनेस टाइकून्स को अपनी सर्विसेज देती है। ध्रुव ने कंपनी के वेबसाइट पर शिवानी नाम की एम्प्लॉय के बारे में भी सर्च किया और उसे वहां एक नाम भी मिल गया। इन सब चीजों से साफ था कि वो लड़की उससे झूठ नहीं कह रही थी। ध्रुव ने अपने डिजिटल लॉकर से सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में अटैच किया और उसी तरह अपनी माँ और अपना अलग अलग फोल्डर बनाकर शिवानी को ईमेल कर दिया। आधे घंटे बाद ध्रुव को फिर से उसी नंबर से कॉल आया और दूसरी तरफ से उस लड़की जिसका नाम शिवानी था उसने ध्रुव से कहा। थैंक यू सर, हमने आपकी सारी डिटेल्स के बेसिस पर आपको और आपकी माँ को हीरा चंदानी ट्रस्ट का मेंबर बना दिया है, और अब आप अपनी सभी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज और एसेट्स एक्सेस कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टीज की सारी डिटेल्स मैंने आपको मेल कर दी है। आप प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिए, और जब भी आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं। ध्रुव ने जवाब में ओके कह दिया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर ध्रुव ने अपने मेल में एक नए मैसेज को देखा जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज की सभी डिटेल्स थी। ध्रुव ने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन करके मैसेज को देखने लगा। ईमेल के साथ में एक एक्सेल डॉक्यूमेंट अटैच था। उसने उस डॉक्यूमेंट को खोला और वहां पर उसे अपने नाम से बहुत सारी चीजें दिख रही थी। वहां ढेरों कंपनियां थी जो उसके नाम से इंडिया और उसके बाहर चल रही थी। इसके अलावा उसे बहुत से शेयर्स, क्रिप्टो करेंसी में बैलेंस और कई बैंक में जमा पैसे मिले थे। उन सभी कंपनीज में उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था। मतलब साफ था कि वो जब चाहे तब उन कंपनीज को टेक ओवर कर सकता था। इसके अलावा वहां बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थी, जैसे कई अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, वेयरहाउस, विलास। वहां पर बहुत सी गाड़ियां भी थी जिनमें से कुछ एंटीक थी और कुछ बिल्कुल नई। लिस्ट में लास्ट में सभी प्रॉपर्टीज का टोटल लिखा हुआ था जो 1500 करोड़ का था। ये सब प्रॉपर्टीज उसकी थी, और इसके अलावा जो कुछ भी रविश हीरा चंदानी ने अपनी जिंदगी में खरीदा था उसका आधा भी उसे दिया गया था। ध्रुव की माँ को भी लगभग इतनी ही कीमत की प्रॉपर्टीज दी गई थी। उन दोनों को मिली हुई प्रॉपर्टीज को जोड़ दिया जाए तो करीब 5000 करोड़ रुपए के एसेट्स आज उनके हो चुके थे। ध्रुव की आंखें घूमने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है या उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो एक हकीकत है। ध्रुव को दोबारा शिवानी का कॉल आता है और वह उसे कहती है। आई होप सर आपको आपकी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। कहानी में एक ट्विस्ट है जो मुझे आपको बताना होगा। हीरा चंदानी ग्रुप के लीडर बनने के लिए फैमिली के हर मेंबर को इवेल्युएशन से होकर गुजरना पड़ता है। ये एक एबिलिटी टेस्ट है जिसमें आपके बिजनेस स्किल्स का टेस्ट होता है। आपको हीरा चंदानी ट्रस्ट की तरफ से 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और आपका टेस्ट है कि एक साल में आप इस पैसे को जितना बढ़ा सके उतना बढ़ा कर दे। इन शॉर्ट इन पैसे को आपको इन्वेस्ट करना होगा और अपना पूरा प्लान और स्ट्रेटेजी हीरा चंदानी ग्रुप के कुछ सीनियर्स ऑफिशियल्स के सामने रखना होगा। जो मेंबर इस टेस्ट में पास होता है उसे लीडर बनाया जाता है। जो एसेट आपको दिए गए हैं वो आपके पिता के मरने के बाद आपको इनहेरिटेंस के रूप में मिले हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं या फिर इस टेस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। कुछ भी डिसाइड करने से पहले आप आपके पापा के लास्ट रिकॉर्डिंग वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो हमारे डेटाबेस में सेव है। मैं आपको वो फॉरवर्ड कर रही हूं। ध्रुव को एक और ईमेल आता है और उसमें एक वीडियो फाइल अटैच थी। ध्रुव के सामने वो मैसेज था जिसमें उसके पिता रविश हीरा चंदानी ने उससे पहली और आखिरी बार बात की थी। ध्रुव यही सोच रहा था कि क्या उसे उस वीडियो मैसेज को देखना चाहिए या नहीं। बचपन से आज तक उसे अपने पिता की कमी महसूस होती थी, लेकिन वो
इस बारे में अपनी माँ से कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था। आखिरकार उन्होंने भी तो अपने पति को खोया था, इसलिए ध्रुव कभी अपने पापा के बारे में माँ से कुछ नहीं कहता था। बचपन में जब वो किसी दोस्त को अपने पापा के साथ स्कूल जाते देखता था तो उसे याद आता था कि उसके पापा उसके साथ नहीं है। अब इतने सालों बाद ये जानकर कि उसके पापा जिंदा थे और उनके पास वो सभी रिसोर्सेस थे जिसे वो अपने बेटे से कांटेक्ट कर सकते थे, फिर भी उन्होंने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही उसे कोई लेटर या मैसेज भेजा। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके पापा उससे इतना दूर हो गए थे? गुस्से में ध्रुव ने सोचा कि इस मैसेज को देखने से उसे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस मैसेज को देखना बेकार है। ये सभी बातें तो उसे यही बता रही थी कि उसके पापा के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसके पापा के लिए उनका बिजनेस ज्यादा जरूरी था, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और उनसे सभी रिश्ते तोड़ लिए। ध्रुव कंफ्यूज था कि वो क्या करे। फिर ध्रुव ने यह सोचा कि एक बार तो उसे ये वीडियो देखना चाहिए, तभी उसे ये समझ आएगा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर उसकी माँ और उसके पिता का रिश्ता कैसा था, क्यों उन दोनों ने डिवोर्स लिया और अलग रहने लगे, और क्यों उसके पापा ने उससे मिलने की कभी कोशिश नहीं की। सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो उसके इन सवालों का जवाब दे सकता था, और वे थे उसके पिता। ध्रुव को इस बात पर पूरा यकीन था कि उसकी आई तो कभी उससे इस बारे में खुलकर बात न करेगी, लेकिन शायद उसके पिता उसे पूरा सच बता सके। ये सच उसे हर हाल में जानना था। उसके लिए उसे वो वीडियो मैसेज देखना ही होगा। ध्रुव ने शिवानी के भेजे हुए ईमेल के अटैच में सेव वीडियो फाइल को डाउनलोड किया और उसे अपने लैपटॉप में प्ले किया। वीडियो शुरू होते ही उसके सामने रवीश हीराचंदानी आते हैं। वीडियो में उसके पिता बहुत वीक लग रहे थे, उनकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे बन गए थे और सर पर एक भी बाल नहीं था। चेहरे की हड्डियां भी दिखाई दे रही थी और ये तस्वीर मीडिया में दिखाई देने वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। कुछ कहने से पहले ध्रुव के पापा को खांसी आ गई और थोड़ी देर बाद जब उनकी खांसी ठीक हुई तब उन्होंने बोलना शुरू किया। ध्रुव, मेरे बेटे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूं, किस तरह तुमसे माफी मांगू। एक पिता के बगैर उसका बेटा कैसे रह सकता है। फिर भी मैं तुमसे दूर रहा, और वह भी उस समय जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे तुम पर गर्व है कि मेरे बगैर भी तुमने खुद को संभाला और अपनी आय का भी ख्याल रखते हो। मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों को पता नहीं था कि हमारे मिलने से इतनी तकलीफें पैदा होंगी। हम दोनों ने फैसला किया था कि अपना सब कुछ छोड़कर नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मेरे परिवार ने मुझे मजबूर कर दिया तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ने के लिए, लेकिन मैं लड़ता रहा, मैंने अंत तक हार नहीं मानी। तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। कुछ समय बाद तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर से विश्वास उठ गया और फिर उसने मुझसे अलग होने का फैसला किया। फिर मेरी फैमिली ने मुझसे पूछे बगैर तुम्हारी कस्टडी के लिए केस फाइल कर दिया। उस समय तुम छोटे थे, इसलिए तुम्हारी कस्टडी तुम्हारी आई को मिली, और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकता था। जब मेरा और तुम्हारी माँ का डिवोर्स हुआ तो उस ऑर्डर के मुताबिक मेरा तुमसे या तुम्हारी माँ से कांटेक्ट करना मना हो गया था। इस वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाया और तुम मेरे बगैर ही जीते रहे। मुझे पता है कि तुम्हारी आई ने मेरे बारे में तुमसे कुछ ज्यादा नहीं कहा होगा, क्योंकि वो भी मजबूर थी। मुझे इस बात का दुख हमेशा रहा है कि मैं अपने परिवार को नहीं देख सका
मुझे हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी मां की चिंता लगी रहती थी। अपना मन भरने के लिए मैं तुम्हारी एक्टिविटीज पर नजर रखता था और मुझे पता चलता रहता था कि तुम कैसे हो। ध्रुव के पिता बोलते बोलते फिर खांसने लगे और उनके पीछे से किसी ने उन्हें याद दिलाया, सुनते रहिए। रविश जी को संभलने में थोड़ा वक्त लगा, फिर उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए आगे कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, और हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे कैंसर है और मैं बस हर एक सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं। जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि मैं तुमसे मिल पाऊं। अपना ध्यान रखना ध्रुव, और मेरी मीरा से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। इस मैसेज को देखकर ध्रुव की आंखें नम हो गई। उसने जो भी बातें सोची थी वो उन सबको भूल चुका था। उसे पछतावा बस एक बात का था कि वो अपने पिता से नहीं मिल पाया। ध्रुव के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पॉइंट पर वो क्या डिसीजन ले। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी थी जिसमें वो जब चाहे जो चाहे कर सकता था, दूसरी तरफ वो जिंदगी जिसे जीने के लिए उसने सपने बुने थे। हीरा चंदानी ग्रुप का लीडर होने का मतलब था दुनिया के कुछ सबसे बड़े लोगों में अपने नाम को जोड़ लेना। ध्रुव यह सोच रहा था कि क्या यह सब उसके और उसकी आई के लिए सही रहेगा। अपने पिता के आखिरी मैसेज को सुनने के बाद वो बहुत इमोशनल हो गया था और सोच रहा था कि अगर अब पीछे हट गया तो अपने पिता से कैसे मिल पाएगा, क्या वो खुद को माफ कर पाएगा। उसकी माँ और उसके पिता जिन हालातों में थे उन हालात से निकल पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में ध्रुव किसी को दोष नहीं दे सकता था। उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था और वो था
कि क्या उसकी माँ कभी उस परिवार को अपना पाएगी जिसकी वजह से उन्होंने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया था। क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी कि उनका बेटा उसी परिवार में जा रहा है। ध्रुव के लिए अपनी माँ को मना पाना बहुत मुश्किल होगा। और फिर हीरा चंदानी ग्रुप में जाने से उसके नाम पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला था। ध्रुव खुद अपने बलबूते पर कामयाब बनना चाहता था। उसे कामयाब बनने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं थी। अगर वो हीरा चंदानी परिवार में शामिल हो गया और उसने लीडर बनने का फैसला किया ने नोट कर ली थी। नीरज ने ध्रुव से पूछा, क्या बात है, आज तू बहुत चुप नजर आ रहा है, कुछ बात है क्या? ध्रुव ने अपनी परेशानी को छुपाते हुए कहा, कल आई की तबीयत खराब हो गई थी तो वही सब सोच रहा हूं। नीरज ने कहा, मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूं, अगर तू कहे तो मैं आंटी जी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूं। ध्रुव ने कहा, अरे नहीं यार, मैंने ऑलरेडी एक डॉक्टर से बात कर रखी है, आज शाम को मैं आई को उनके पास लेकर जाऊंगा। नीरज ध्रुव का जवाब सुनकर अपने काम में एक बार फिर से बिजी हो गया। ध्रुव को अपने दोस्त से इस तरह झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था। शिवानी ने उसे बताया था कि फिलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी किसी के साथ भी डिस्क्लोज करे। मीडिया में रविश हीरा चंदानी की मौत के बाद एक नए लीडर के चुने जाने को लेकर पहले से ही काफी इंटरेस्ट था। ऐसे में अगर इतनी बड़ी खबर गलती से भी कहीं लीक हो गई तो हीरा चंदानी ग्रुप की रेपुटेशन को काफी नुकसान होगा। ध्रुव और उसके पिता का रिश्ता अगर किसी को भी पता चला तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो सकता था, और इस वक्त ऐसा कुछ भी पूरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। शिवानी से हुई सभी कन्वर्सेशन के बारे में ध्रुव ने आई से भी कुछ शेयर नहीं किया था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि माँ इस सब पर किस तरह से रिएक्ट करेगी। ध्रुव को सही समय का इंतजार करना होगा, तभी वो आई और अपने दोस्त को सब कुछ बता पाएगा। ध्रुव को पता नहीं चला कि कब उसका पूरा दिन निकल गया, और टेंशन की वजह से घर जाते जाते उसका दिमाग पूरी तरह से थक चुका था। ध्रुव ने सोचा था कि वो आई के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा ताकि उन्हें शक न हो। आई के साथ रोज की तरह डिनर करने के बाद ध्रुव अपने रूम में आ गया और सोने की तैयारी करने लगा, तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने एक न्यूज आर्टिकल को पढ़ा जहां पर इंडिया कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में लिखा था। वहां के बहुत से एम्प्लॉइज ने कंपनी पर केस कर दिया था क्योंकि उन्हें उनकी सैलरी काफी लंबे समय से नहीं मिली। इसके बाद ध्रुव ने अपना लैपटॉप खोला और एक एक कर हीरा चंदानी ग्रुप की सभी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने लगा। ज्यादातर कंपनीज फाइनेंशियली स्टेबल थी, लेकिन एम्प्लॉय की तरफ से बहुत ज्यादा रेजिग्नेशंस थे
ये सभी बातें हीरा चंदानी ग्रुप के लिए किसी भी मायने से अच्छी नहीं थी। कुछ देर तक सोचने के बाद ध्रुव ने शिवानी को कॉल किया और उससे कहा, आई एम इन शिवानी, मैं लीडर की पोजीशन के लिए इवेल्यूएशन असेसमेंट में कम्पीट करूंगा। ध्रुव के इस फैसले ने यहां से उसकी कहानी को बदल के रख दिया, लेकिन उसके सामने बहुत सी चुनौतियां अभी आनी बाकी थी। ध्रुव ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अपने पिता के लिए और हीरा चंदानी ग्रुप के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यह कदम उठाना ही होगा। अगर इस बिजनेस ग्रुप को डेवलप करना है तो किसी ऐसे लीडर को आगे आना पड़ेगा जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की भाषा न जानकर एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचे। अभी तक हीरा चंदानी ग्रुप की सभी कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रही थी। हीरा चंदानी ग्रुप की ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम हीरा मोटर्स था, उसके प्रोडक्ट्स तो अच्छे थे, लेकिन उनके पास सर्विस देने के लिए ना तो लोग थे और ना ही प्रॉपर आउटलेट्स, जिसकी वजह से कस्टमर्स को अपनी गाड़ियों की सर्विस कराने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। फाइनेंशियल कंपनीज का भी यही हाल था। उनके कॉन्टैक्ट सिर्फ बड़े बड़े क्लाइंट से होते थे, पर आम लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में हीरा चंदानी ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हीरा चंदानी ग्रुप को एक नए लीडर की सख्त जरूरत है। और ध्रुव ने शिवानी से फिर आगे कहा, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे इन सभी कंपनीज के फाइनेंस स्टेटमेंट्स दे सकती है? तो शिवानी ने कहा, सर आपको मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, आपको जो कुछ भी चाहिए उसे आपको अवेलेबल करवाना ही मेरी जॉब है। शिवानी ने उसे एक के बाद एक बहुत से स्टेटमेंट भेज दिए। ध्रुव उन सभी के एनालिसिस में लग गया। बहुत सी कंपनीज में पॉलिसीज को बदलने की जरूरत थी और कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनमें नई लीडरशिप को लाने से बहुत से चेंजेस आ सकते थे। ध्रुव ने यह ठान लिया था कि उसे हीरा चंदानी ग्रुप के सभी बिजनेस वेंचर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। हीरा चंदानी ग्रुप में 150 से ज्यादा कंपनियां थी, उन सभी के बारे में पता करना वो भी एक दिन में नियरली इम्पॉसिबल था। लेकिन ध्रुव इस बारे में बिल्कुल श्योर था कि वो सभी कंपनियां नहीं तो एटलीस्ट कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में पूरी डिटेल्स पता कर ही सकता है। काफी लंबे समय के बाद शिवानी को इतना ज्यादा वर्कलोड मिला था। उसकी कलीग सुरभि भी शिवानी को इतना काम करते देखकर हैरान हो गई थी। सुरभि ने शिवानी से पूछा, क्या बात है, ये कौन सा सब्जेक्ट है जो तुमसे इतना काम करवा रहा है? तो शिवानी ने कहा, ही इज जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन उसका नॉलेज कमाल का है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी सीईओ की सेक्रेटरी हूं। ध्रुव ने शिवानी से अपने सभी एसेट्स के बारे में भी डिटेल्स मंगवाई और उनकी करंट पोजीशन को भी देखा। ध्रुव को जो कंपनियां मिली थी उनकी भी ठीक वही पोजीशन थी जो हीरा चंदानी ग्रुप की बाकी दूसरी कंपनियों की थी। लीडरशिप की कमी की वजह से वहां पर भी प्रॉब्लम्स हो रही थी और अगर इन्हें सॉल्व नहीं किया गया तो हो सकता है कि हीरा चंदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों की वैल्यू कम हो जाए। स्टॉक मार्केट के हिसाब से हीरा चंदानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिर रहे थे और ध्रुव के पिता के जाने के बाद उनमें और ज्यादा तेजी से गिरावट आ रही थी। ये सभी बातें आने वाली प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही थी। ध्रुव ने कई बार शिवानी को कॉल किया और उससे बहुत से सवाल पूछे जो कि उन कंपनियों के बारे में थे। शिवानी ने अपने हिसाब से उन सभी सवालों के जवाब दिए। जब शिवानी को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता चला था तो उसे लगा था कि शायद उसे फिर से वही बोरिंग बेबी सिटिंग वाली जॉब करनी पड़ेगी, लेकिन ध्रुव के साथ काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड में शिवानी ध्रुव की तारीफ करते हुए उससे बोली, सर आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड, इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरा दिन बिजी रही हूँ। शिवानी की बात सुनकर ध्रुव हंसते हुए बोला, आपको मुझे सर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर रखने वाली एक लेडी मुझे सर कहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जहां तक काम का सवाल है तो मैं जब तक किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज नहीं रखता उस काम को हैंडल करने में मुझे दिक्कत तो होगी ही। शिवानी ध्रुव की बात सुनकर समझ गई कि क्यों उसके बॉस भी ध्रुव को लेकर काफी एक्टिव थे और पर्सनली ध्रुव के प्रोग्रेस पर नजर रखे हुए थे। शिवानी ने कहा, ठीक है सर, आई मीन ध्रुव, बट याद रखो तुम्हारे अगेंस्ट विवेक हीरा चंदानी है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और फिर उसके बाद वहीं से मास्टर्स डिग्री भी ली है। विवेक बिजनेस माइंडेड लोगों के बीच बड़ा भला है, तो एक बिजनेस ग्रुप को चलाने के लिए जो भी स्किल्स जरूरी है उसे उसके बारे में पूरी नॉलेज है।
करंटली उसके वेंचर्स वैल्यूएशन तुमसे कहीं ज्यादा है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वो तुमसे काफी आगे है। शिवानी की बात सुनकर ध्रुव ने उससे पूछा, ठीक है, हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, मुझे इसके लिए क्या करना होगा, कैन यू एक्सप्लेन? शिवानी ने बताया, इवैल्यूएशन असेसमेंट के लिए हर कैंडिडेट को अपना एक्शन प्लान एक बिजनेस ग्रुप के सामने प्रेजेंट करना होता है। अगर उन्हें कैंडिडेट के एक्शन प्लान में पोटेंशियल नजर आता है, तभी इवैल्यूएशन के लिए जो अकाउंट बनाया गया है उसका एक्सेस कैंडिडेट को दिया जाता है। इन शॉर्ट, हमें ये प्रूव करना होगा कि हमारा प्लान पॉसिबल है और हम एक साल में 50 करोड़ को 3 गुना या उससे ज्यादा करके दे सकते हैं। क्या ध्रुव इस असेसमेंट टेस्ट को पार कर पाएगा? क्या होगा ध्रुव का एक्शन प्लान? क्या वो इस पहली मीटिंग को टर्निंग पॉइंट में बदल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।